बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये PIC के प्लेटफॉर्म से क्लाउड नेटिव जनरेटिव AI की क्लास के सेशन का सिलसिला जारी है, और इस सेशंस के अंदर हम सीख रहे हैं कि किस तरह जनरेटिव AI को इस्तेमाल करते हुए आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम पाए की कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद से कोड नहीं करेंगे, हम जो भी काम करेंगे वो जनरेटिव AI से करवाएं। हाँ, लॉजिक का समझना, कॉन्सेप्ट का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आप जनरेटिव AI से कोड करवाएंगे, तो चीज़ों को समझना, लेकिन वो लॉजिक हम नहीं लिखेंगे, वो हम जनरेटिव AI से लिखवाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें हमने प्रीवियस सेशंस के अंदर कवर कर ली है। तो जुनेद, हमने लास्ट चीज़ें क्या कवर की थी और आगे आज क्या चीज़ें हम करने वाले हैं? अच्छा, सर क्या है? सलामकुम सर, कैसे हैं आप? अमीन सजिया को जरा देख लीजिएगा। हैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए, ये अलहमदुलिल्लाह सर, परफेक्ट। जुनेद, ये अमीन का क्या चक्कर है? ये खाता भी रहता है पता नहीं क्या क्या, और ये अभी देखो बिल्कुल फिट और पतला सा नजर आ रहा है। मुझे तो लग रहा है जुनेद भी थोड़ा सा मोटा हो गया, मगर अमीन को कुछ होता ही नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है ये। सही है, टिप्स वगैरह ना अमीन से हमें मालूम करना पड़ेगी। हाँ जुनेद भाई, जी सर। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने लिस्ट और डिक्शनरीज को यूज़ करते हुए कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना सीखी थी, और फिर डिक्शनरीज और लिस्ट को मिला के हमने कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें की थी पाइथन के अंदर। और उसके बाद फिर हमने कंट्रोल फ्लोज के अंदर जो इफ स्टेटमेंट है उसको देखा था कि वो होती क्या, उनका कुछ बेसिक ओवरव्यू किया था। अच्छा आप क्या करेंगे आज? अच्छा, आज पहले हम इफ स्टेटमेंट को दोबारा से देखेंगे, उसके बाद हम फंक्शंस बनाना सीखेंगे, और फंक्शंस बनाने के बाद हम एक या दो असाइनमेंट जो हमारे रिपो में मौजूद है उनको ही कवर कर रहे होंगे। सही है, शुरू करें। जी अच्छा दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने इफ स्टेटमेंट के ऊपर ख़त्म किया था, और आज हम दोबारा से इफ स्टेटमेंट को एक दफ़ा रिवाइज करेंगे, और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे फंक्शंस के ऊपर। तो लास्ट में हमने ये देखा था कि पाइथन के अंदर कंट्रोल फ्लोज के अंदर अगर मैं सोचूं यार कोई लॉजिक लिखनी है मुझे, और उस लॉजिक की बेस पे मैं फैसला करना चाहता हूँ कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना, तो उसके लिए हमने इफ स्टेटमेंट को यूज़ किया था। तो हम सबसे पहले तो रिवाइज करते हैं उसका सिंटैक्स। लास्ट में हमने ये कहा था जब भी हमें कोई इफ स्टेटमेंट लिखनी होती है या इफ एल्स स्टेटमेंट लिखनी हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो पाइथन के अंदर हमारे पास एक स्पेशल कीवर्ड है इफ। तो जब भी हमें इफ स्टेटमेंट लिखनी है हमने लिखा इफ, और इफ के बाद आती है हमारे पास हमारी कंडीशन, और हम कहते हैं अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये काम कर देना। वो काम क्या हो सकता है? वो काम कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने कह दिया कि अगर हमारे पास जो भी हमारे यहाँ पे कंडीशन है वो ट्रू थी तो प्रिंट को रन कर दो, और अगर वो ट्रू नहीं है तो फिर फॉल्स कर देना प्रिंट। लास्ट में हमने यहाँ तक देखा था, और हमने ये देखा था कि जो हमारी कंडीशन है ये कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे हमें अगर एज का कंपैरिजन कर रहे थे तो हमने एज के कंपैरिजन में बोला था अगर सर ज़िया की एज सर कासिम से कम है तो फिर प्रिंट कर दो ट्रू, कि सर ज़िया इज़ यंगर देन सर अमीन, नहीं तो उसको फॉल्स प्रिंट कर दो। तो अगर इसी कंडीशन को वापस हम यहाँ पर लेकर आते हैं तो पहले हमारे पास क्या चीज़ होगी? कोई वेरिएबल होंगे जिसके अंदर को हमने एज को स्टोर किया हुआ था। तो अगर हम यहाँ पे लिख देते एक वेरिएबल बनाते सरजिया एज, अब उसकी टाइप हमारे पास क्या थी? उसकी टाइप हमारे पास होगी इंट, और हमने कह दिया फोर्थ पास हुआ है 24, और फिर हमने कह दिया सर कासिम की एज जो के है 28। इसके बाद हमने यहाँ पे कहा था कोई भी कंडीशन हो सकती है, उस कंडीशन के लिए हमने सीखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंडीशनल ऑपरेटर्स को। तो हमने कहा हम यहाँ पे कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं कि अगर सर ज़िया की एज कम है सर कासिम की एज से तो फिर प्रिंट कर दो ट्रू, और
और साथ में प्रिंट कर दो सर्ज या एज, या यहाँ पे कोई भी चीज जो हम करना चाह रहे हैं प्रिंट। अब इससे पहले हम इसको रन करें, एक दफा आपका भी छोटा सा क्विज लेते हैं। आप बताएं कि यहाँ पे ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, देखते हैं लास्ट में हमने जो कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे वो आपको कितने याद हैं। अच्छा मैक्सिमम लोग तो कह रहे हैं ट्रू होगा, ठीक है हम रन करके भी देख लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पे हो गया ट्रू, बट फोर्स पोस्ट अगर ये फॉल्स होता, लाइक अगर एज 29 होती तो फिर हमारे पास यहाँ पे जो फॉल्स वाला या एल्स वाला ब्लॉक था वो यहाँ पे रन हो रहा है, यानी कि हमने ये देखा था अगर कंडीशन ट्रू है तो ये काम कर दो, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो बाकी हर केस के अंदर जो ये वाला ब्लॉक है इसको कर लो रन। बट यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है कि अगर तो एज कम है तो ये प्रिंट कर दो, अगर एज सेम है तो कोई और काम कर दो, और अगर एज ज्यादा है तो फिर कोई और काम कर दो। तो इसके लिए हम अपने जो इफ स्टेटमेंट है इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे एलिफ को भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर हम ये कंडीशन सोच रहे हैं कि अगर तो जो एज है वो कम है तो उस केस में प्रिंट कर दो ट्रू सर ज़ार यंगर देन सर कासिम, अगर एज ज्यादा है या अगर एज इक्वल है, इक्वल के लिए हमने क्या किया था लास्ट में, अगर हमने इक्वल चेक करना हो लेस देन के लिए तो था लेस देन, ग्रेटर देन के लिए था ग्रेटर देन, अगर मुझे यहाँ पे ये देखना है कि सर ज़ार और सर कासिम की एज सेम है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे थे, कौन सा ऑपरेटर। बिल्कुल पूरम से ही कह रहे हैं, हमने यहाँ पे डबल इक्वल लिखा था और हमने इसको कहा था ये होता है हमारे पास इक्वेलिटी ऑपरेटर। इसके आगे हम लिख लेते हैं अपनी कंडीशन, और हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों ही चीजें ना हो तो फिर हमारी जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है इसको कर लो रन। अभी हम इसको रन करते हैं, अभी सर ज़ार की एज है 29 और सर कासिम की एज है 28, तो हमारे पास कौन सी प्रिंट स्टेटमेंट रन होगी, फर्स्ट वन सेकंड या थर्ड। अच्छा अभी हिना कह रही है कि थर्ड वन होगी, हम देख भी लेते हैं। बिल्कुल थर्ड वन आ गई हमारे पास। अच्छा अगर हम दोनों को ही 29 कर दें फिर हमारे पास कौन सी रन होगी, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। बिल्कुल हम ट्राई उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, तो जैसे हमारे पास सेम हुई कंडीशन यानी कि सेकंड वाली कंडीशन मीट हुई तो हमारे पास एलिफ वाली रन हो गई है, और वापस अगर हम इसको 24 कर लेते हैं या 23 तो हमने देखा हमारे पास रन हो रही है फर्स्ट वन। अच्छा ये था एक छोटा सा ओवरव्यू हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट्स का, और नेक्स्ट हमने मूव करना था फंक्शंस के ऊपर। अच्छा सर वासिम आप इसमें कुछ ऐड करेंगे या हम फंक्शन से मूव करें। अच्छा एलिफ हो अच्छा गया, एलिफ हो गया, सेकंड हम ये देख सकते हैं कि इसी सिंटैक्स को आप सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल, तो उसके अंदर बॉडी सबसे पहले आती है ट्रू की, फिर इफ की लॉजिक आती है और एल्स ब्लॉक सबसे लास्ट में आता है दिया गया है, जिसके बहुत सारे फायदे हैं डेटा साइंस में क्योंकि बहुत सारी लॉजिक आप एक लाइन में ही बाज़ुकात लिखना चाहते हैं। तो सिंटैक्स आप देख सकते हैं, सबसे पहले इफ एल्स वाला अगर ब्लॉक आप देखें सिर्फ, तो उसके अंदर आप चीज नोट करें ट्रू और फॉल्स, तो आप जो इफ के बाद लॉजिक के बाद ट्रू का ब्लॉक नीचे लिखते थे वो सबसे पहले आ गया, बीच में आपकी लॉजिक आती है और एल्स के बाद आपका एल्स का ब्लॉक आता है। इसका मतलब है बीच में लॉजिक, अगर आपकी लॉजिक सही हो तो उल्टे हाथ पे वो चीज चलती है, बीच में लॉजिक अगर आपकी लॉजिक फॉल्स हो तो राइट साइड पे जो ब्लॉक होता है वो चलता है। इसी चीज को आप फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं नेस्टेड, यानी आपके इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको नहीं करना चाहिए। हम ट्रेडिशनल जो इफ एल्स का सिंटैक्स है ज्यादातर वो इस्तेमाल करते हैं, में इसकी जरूरत पेश आती है कि एक ही लाइन में सब कुछ लिखना हो, तो ये ऑप्शनल हमारे पास मौजूद है।
तो ये जो आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल है, ये लिस्ट के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है, ये डिक्शनरी के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। तो जिसके साथ ये अप्लाई होगा, मर्ज होगा, वही कॉम्प्रिहेंसिव हम कहेंगे। यानी ये इफ कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, लिस्ट के साथ लगाते हैं तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है, डिक्शनरी के साथ हम लगाते हैं तो डिक्शनरी जाता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव एक लाइन के अंदर सारी चीजों को लिखने का तरीका है, जो कि रिकमेंडेड नहीं, लेकिन डेटा साइंस के अंदर बहुत सारी जगहों पे आप इस तरह लिखा हुआ कोड देखेंगे। जी, अब हम आगे चलते हैं। जी अच्छा, देखें अभी तक जो हमारी कंडीशन है, हम जैसे सेल रन करते हैं साथ ही कंडीशन रन भी हो जाती है। बट अब हो सकता है यार, मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे रन टाइम के ऊपर मैं एज पूछूंगा स्टूडेंट से, और स्टूडेंट से एज पूछने के बाद फिर मैं उसको बताऊंगा कि उसकी एज सरजिया की एज से कम है या सरजिया की एज से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में देखा डिस्कशन हो रही थी यार, सरजिया तो हमारे से भी ज़्यादा यंग है और काम भी करते रहते हैं हर वक्त, हम उनसे पीछे रह जाते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ यार एज का कंपैरिजन करके देखते हैं कि मेरी एज सर से ज़्यादा या कम है। तो हमने एक एप्लीकेशन बना दी, उस एप्लीकेशन में स्टूडेंट आता है, वो आके अपनी एज बताता है और वो एप्लीकेशन उसको आके बताते हैं कि उसकी एज सर की एज से कम है या ज़्यादा है। तो यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट आके अपनी एज एंटर करेगा उसके बाद इसको रन होना चाहिए। तो यानी कि अब सेल के मुताबिक हम रन नहीं करना चाहते, बल्कि कोई और तरीका हम सोच रहे हैं जिससे हम इसको रन कर सकें। इसके लिए हमारे पास आते हैं पाइथन के अंदर फंक्शंस। अच्छा यार, फंक्शंस नाम से भी पता लग रहा है यार, कोई फंक्शन ही होगा या कोई काम ही उसने करना होगा। तो फंक्शंस का हमारे पास एक मेजर बेनिफिट ये होता है कि हम एक दफ़ा अपना फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन का क्या चीज़ है, एक हम उसको नाम दे देते हैं, उस फंक्शन का नाम क्या है। नाम देने के बाद हम उसका काम बता देते हैं कि उसने काम क्या करना है, कुछ इनपुट में लेके कोई भी काम करेगा, और एंड में हम ये बता देते हैं कि उसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, क्या वो हमें कोई चीज़ वापस दे देगा सारा काम करने के बाद। जैसे कोई मशीन है, मशीन के अंदर हम जाके नोट एंटर करते हैं, वो हमें कोई कैन या कोई और खाने की चीज़ दे देती है, हमने अक्सर उसको यूज़ किया होगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में या किसी और जगह के ऊपर। तो सेम वही काम हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस भी कर रहे होते हैं। अब फंक्शंस हम बनाते कैसे हैं, फंक्शंस बनाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल कीवर्ड, जैसे इफ स्टेटमेंट के लिए इफ था, ऐसे फंक्शन बनाने के लिए होता है हमारे पास डेफ। तो जब भी हमें कोई फंक्शन बनाना है तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं DEF, डेफ। ये एक स्पेशल चीज़ है, ये पाइथन को बता देती है कि हम कोई भी फंक्शन बनाना चाह रहे हैं। अब इस फंक्शन को बनाने के बाद आ जाता है इसका नाम। अब फंक्शन को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, उसके नाम काम के मुताबिक दे सकते हैं। जैसे अभी मैं सोच रहा हूँ यार कि जो ये काम यहाँ पे हो रहा है ना, ये काम मैं फंक्शन कॉल करूँ तब हो जाए। तो मैं इसको नाम देना चाह रहा हूँ कंपेयर एज, ये हमने दे दिया इसको नाम। अब इस नाम के बाद अगली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रैकेट्स। हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस ऐड किए हैं और पैरेंथेसिस ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे ऐड कर दिया सेमी कोलोन। ये था हमारे पास फंक्शन का सिंटैक्स उसको बनाने के लिए। डेफ था स्पेशल कीवर्ड, डेफ के बाद आ गया नाम, नाम के बाद आ गया ब्रैकेट्स और उसके आगे आ गया कोलोन। अब जैसे हमने इसको एंटर किया तो हम आ गए फंक्शन की बॉडी में। तो ये हमारे पास अब आ गया है बॉडी। बॉडी के अंदर हम उसे कोई भी काम करवा सकते हैं, जैसे अभी हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखी थी, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं कि ट्रू प्रिंट कर दो अगर ये चीज़ है और फॉल्स प्रिंट कर दो अगर बाकी हर केस के अंदर। अब अगर मैं सेल को रन करूँगा तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा था बट अब क्वेश्चन मेरे जिम में आ रहा है, ये तो स्टेटमेंट चली ही नहीं। ऊपर मैंने प्रिंट रन किया, साथ ही मेरे पास ट्रू आ गया। अगर मैं इसको कुछ कर देता तो जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी थी वो प्रिंट हो जाती है इस कंडीशन की बेस पे। बट नीचे जब मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के बाद सेम मैंने वही काम किया, तो यहाँ पे तो कोई काम हुआ नहीं और सेल के आगे आ गया टिक, क्योंकि अभी हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया या बनाया, उसको अभी हमने यूज़ नहीं किया। अब अगर मुझे फंक्शन को यूज़ करना है तो वो हम कैसे करेंगे, हम लिखते हैं अपने पास फंक्शन का नाम और नाम लिखने के बाद आगे लगा देते हैं हम ब्रैकेट्स इसको कॉल करने के लिए। अब हम करें फंक्शन को कॉल, यहाँ पे हमने फंक्शन को बनाना या डिक्लेयर करना सीखा है। और जैसे ही मैं इस सेल को रन करूँगा तो साथ ही हमारे पास फंक्शन रन हुआ। फंक्शन रन होने के बाद उसने जो भी यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी थी उसको चेक किया और उसके मुताबिक हमें यहाँ पे कोई भी आउटपुट ला के दे दिया। यहाँ तक तो हमने देखा था कि हम फंक्शन कैसे बना रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं। अब सेकेंड हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, इसे मैं सोच रहा हूँ कि जो सर की एज है ना यहाँ पे, ये एज मैं इनपुट में ले लूँ यूज़र से। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होती है कि फंक्शन के अंदर हम अपने पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शन कौन कौन से पैरामीटर ले रहा होगा बॉडी के अपने पास।
तो अब हमारे जो पेरेंथीसीज है इसके अंदर, यहाँ पे आके मैं बता सकता हूँ कि मुझे कौन कौन से अपने पास लेने हैं। तो मैंने कहा यार सर की एज तो मौजूद है, अब स्टूडेंट आके अपनी एज यहाँ पे एंटर करेगा, और जो स्टूडेंट आके एज एंटर करेगा उसको हम कंपेयर करेंगे। तो हो सकता है हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हो अपने पास, या एक पैरामीटर ले रहे हो स्टूडेंट एज, जिसकी टाइप है इंटीजर। और नीचे हमने कहा हम सेमी लॉजिक रखते हैं कि अगर सर्दिया की एज कम है स्टूडेंट से तो ट्रू आ जाए, नहीं तो फॉल्स आ जाए। अब मैंने इस फंक्शन को दोबारा बना लिया। अभी तक हमने ये देखा कि इसके अंदर हम कोई भी अपने पास पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं और उसको फिर फंक्शन में यूज कर सकते हैं। अब ये पैरामीटर हम पास कैसे करेंगे? जब भी हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम इस पैरामीटर को कर सकते हैं पास। तो अगर मैं इसको भी ऐसे रन करता हूँ तो साथ ही मेरे पास एक एरर आ गया, यार आपको कोई आर्गुमेंट था या कोई पैरामीटर था जो कि मिसिंग है। यानी कि फंक्शन बनाते हुए तो आपने बोला था एज आएगी, बट अब आपने एज को पास ही नहीं किया। तो हम ऐसा करते हैं एज पास कर देते हैं और उसको कर देते हैं हम 19। अब हमने जैसे इसको रन किया तो जो हम स्टार्ट में सोच रहे थे यार स्टूडेंट आके अपनी एज एंटर करे, एंटर करने के बाद कंडीशन रन हो फिर मुझे आउटपुट मिले, तो इस पॉइंट के ऊपर हम स्टूडेंट आके अपनी एज जब रन टाइम के ऊपर एंटर कर रहे हैं, जब ये फंक्शन कॉल होता है और उसके बाद उसको उसका आउटपुट मिल रहा है जो भी था। अगर हम यहाँ पे 19 की जगह 91 कर देते हैं तो फिर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे फॉल्स। तो हमने दो चीज़ें देखी, एक फंक्शन बनाते कैसे और फिर उसको हम कॉल कैसे कर रहे होते हैं। और फंक्शन कॉल करने के बाद जब हम उसको बना रहे होते हैं तो नेम के बाद जो हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाए थे, इसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं जो फंक्शन को रन करते हुए हमें पास करना होगा। अभी हमने कहा यहाँ पे स्टूडेंट की एज थी, अब हम सोचें यार एज के साथ हम उसका नेम भी ले लेते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे ट्रू। और हमने देखा था स्टार्ट में हमारे पास थे एफ स्ट्रिंग, तो हमने कहा हम अपने पास ये कंडीशन बना लेते हैं और देखते हैं फिर क्या होगा। तो अब हमें यहाँ पे नाम भी पास करना है और साथ में एज भी पास करनी है। अगर मैं खाली एज पास करता हूँ रन करता हूँ तो यहाँ पे तो नेम रिक्वायर्ड था बट हमने पास ही नहीं किया, तो साथ ही हम यहाँ पे नेम को भी कर देते हैं पास। तो अब हमारे पास आ गया ट्रू, जुनेदी होल्डर देन सर जिया। अगर हम इसको कर देते हैं 19 और यहाँ पे हम कर लेते हैं पुरम, तब हमारे पास आ गया फॉल्स जो कि हमारे पास लास्ट में कंडीशन थी। तो यहाँ तक हमने देखा हम फंक्शन बना कैसे रहे हैं और बनाने के बाद हम उसको कॉल कैसे कर रहे हैं। जी सर, अच्छा बिल्कुल परफेक्ट। तो हमें पता चला प्रोग्रामिंग की दुनिया में जब हम कोई भी रिपीटेटेड टास्क बार बार करते हैं, उस टास्क को रिपीटेशन से बचाने के लिए फंक्शन बना देते हैं। तो फंक्शन जिस तरह रियल वर्ल्ड में होता है कि आपकी रियल दुनिया में पहले से बने हुए फंक्शन हैं जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं, और कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो हम कस्टम खुद बनाते हैं जिसे यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। तो प्री डिफाइंड फंक्शन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले से बनाए हुए फंक्शन जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी इस्तेमाल किए हैं, प्रिंट का फंक्शन, लेन का फंक्शन, आईडी का फंक्शन, डीआईआर का फंक्शन, ये पहले से बने हुए फंक्शन थे, इसलिए हम इसको कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। अच्छा कुछ फंक्शन बनाते हैं यूजर्स, यानी मेरी कस्टम जरूरत है, तो उस कस्टम जरूरत के तहत सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सीक्वेंस ऑफ अ इंस्ट्रक्शंस। तो जब भी मैं, अब इसकी एग्जांपल आप सुने, मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि दूध लें, पत्ती डालें, उसे बॉईल करें, और जब पत्ती नीचे बैठ जाए तो उसे फिल्टर करके कप में सर्व करके आप जो भी आपके गेस्ट आए हुए उनके सामने ले जाएं। अच्छा ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन थी जिसके अंदर 5 से 6 चीजें मैंने आपको बताई। बिल्कुल बार बार जब भी कोई गेस्ट आता है मैं आपको ये टास्क बार बार रिपीट करके बताऊं। तो रिपीटेशन से बचने के लिए घर वालों ने इस फंक्शन का नाम रख दिया कि बेटा चाय बना लो। तो अब जब भी आपके सामने घर वाले बोलते हैं कि बेटा चाय बना लो तो आप रिपीट करते। तो रियल वर्ल्ड में पहले से बने हुए फंक्शन और कुछ फंक्शन हम बनाते। अच्छा ये जो फंक्शन हमने बनाए इसके अंदर रिपीटेड टास्क,
यानी आपकी 50 लाइनें अगर होती और आप उन 50 लाइन को हर दफा लिखते तो वो 100, 200, 300। स्ट्रक्चर प्रोग्राम से फायदा हुआ DEF के ब्लॉक के अंदर, अगर उस चीज को आप लिख दें उन 50 लाइनों को, तो जब भी आपने जो DEF के ब्लॉक के तहत फंक्शन आपने बनाया है, तो सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करें और उस फंक्शन के अंदर जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, यानी उसमें इफ एल्स लिखा हो सकता है, उसमें प्री डिफाइंड फंक्शन प्रिंट का जैसे इसमें इस्तेमाल हुआ हुआ है, इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर इसमें इस्तेमाल हुए हुए हैं, तो वो आपकी पूरी की पूरी सेट सिर्फ एक कॉल के ऊपर वही सीक्वेंस से कॉल हो जाएगी। तो ये आपके क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो रियल वर्ल्ड में पहले से फंक्शन कुछ बने हुए, जैसे कि हम बात करते हैं शादी का फंक्शन, तो फंक्शन में जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, उस फंक्शन को चलाने के लिए कुछ रिक्वायर्ड पैरामीटर्स होते हैं। यारों ये रिक्वायर्ड पैरामीटर्स क्या हैं, अगर मैं एग्जांपल लूँ शादी का फंक्शन, तो आप लोग मुझे बताएं कि शादी के फंक्शन के लिए कौन से पैरामीटर। अच्छा, लिख के भी बता सकते हैं, अनम्यूट होके भी बता सकते हैं। तो किसी भी मजहब में, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, दुनिया के किसी भी मजहब में शादी के लिए कितने पैरामीटर रिक्वायर्ड है, और फिर हम इस्लामी उसके ऊपर मुताबिक देखेंगे। जी दोस्तों, तो लिख के आप बता सकते हैं। दिनेश भाई, आपने जो पीछे फंक्शन लिखा था ना, उसमें रिटर्न टाइप नहीं लिखी, प्लीज वो रिटर्न टाइप ऐड कर दें। जी, अच्छा, जी इसकी रिटर्न टाइप नन है, क्योंकि प्रिंट के अंदर वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। अच्छा, अभी हमने एक चीज़ नहीं देखी कि जो हमारे पास फंक्शन है ना, वो फंक्शन कोई काम करके भी खत्म हो सकते हैं या फिर वो कोई चीज़ रिटर्न भी कर सकते हैं। तो एंड में हम क्या करते हैं कि सारे हमने काम करवाए, अगर हमें कुछ रिटर्न करना है तो एक स्पेशल कीवर्ड है हमारे पास रिटर्न। हम यहाँ पे रिटर्न लिखते हैं और रिटर्न के अंदर हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। अभी के केस में हम कंडीशन को रिटर्न करवा देते हैं कि ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर दे और फॉल्स है तो फॉल्स ही रिटर्न कर दे। और अमीन, जब ये जुनैद खत्म कर लें और कासिम खत्म कर लें, तो अमीन आप एक डिटेल एक एग्जांपल बनाएं जहाँ पे फंक्शन एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं और एक छोटा सा एप्लीकेशन। ठीक है, तो अभी हमने ये बोला कि हम ट्रू रिटर्न करेंगे अगर सर की एज स्टूडेंट की एज से कम है, नहीं तो हम कर देंगे फॉल्स रिटर्न। तो यानी कि यहाँ पे ट्रू या फॉल्स जो भी चीज़ है वो हमारे पास इस रिजल्ट के आ जाएगी वेरिएबल के अंदर, और उसके बाद जो भी हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट के अंदर आएगा उसको हम करवा रहे हैं यहाँ पे अपने पास रिटर्न। अब इस केस में क्या होगा, पहले तो हम जैसे ही फंक्शन रन कर रहे थे तो साथ ही यहाँ पे नीचे जो प्रिंट था वो लिखा हुआ आ रहा था, जो भी हमने प्रिंट के ब्लॉक में लिखा था। अगर अभी मैं फंक्शन को रिटर्न करता हूँ तो क्या हमारे पास कुछ आता है, अभी तो आ रहा है। बट अगर अब मैं इसको किसी वेरिएबल में या रिजल्ट के अंदर करवा लेता हूँ स्टोर, मैं यहाँ पे आके कह देता हूँ कि फंक्शन कॉल करो। अब यहाँ पे नीचे प्रिंट में तो कुछ भी नहीं आया क्योंकि जो भी फंक्शन का रिजल्ट था उसको हमने करवा दिया रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हमने क्या भेजा, हमने कह कोई भी बूलियन वैल्यू है हमारे पास जो कि ट्रू हो सकती है फॉल्स हो सकती है, और जो भी इसका रिजल्ट आया उसको हमने सेव करवा दिया कंपेरिजन रिजल्ट के अंदर। तो अभी के केस में अगर हम इस वेरिएबल को आगे चेक करते हैं तो हमारी फंक्शन कॉलिंग का जो भी रिजल्ट आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है इस वेरिएबल के अंदर और यहाँ पे हो रहा है वो स्टोर। तो तीसरी चीज़ एक हमने ये देखी कि फंक्शन के एंड के अंदर हम अपने सारे काम करने के बाद जो भी होना था एंड में हमने एक स्पेशल कीवर्ड लिखा रिटर्न का, और उसके साथ जो भी हमारे एंड में रिजल्ट था उसको हमने करवा दिया यहाँ पे रिटर्न। अच्छा जुनैद, इसमें ना सबसे DEF वाली जो लाइन है, उस लाइन में जो कॉलन है उससे पहले आए फंक्शन या डिफाइन किया सबसे टॉप पे कॉलन से पहले, और जी सर, ठीक है, परफेक्ट हो गया। तो दोस्तों, हमें पता चला कि फंक्शन जो होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, और रिपीटेशन से बचने के लिए आप उस रिपीटेशन हम कह रहे फंक्शन, और जब भी उस फंक्शन को कॉल किया जाए, बिरयानी बनाने का फंक्शन, चाय बनाने का फंक्शन, इवन हमने पूछा लाइक शादी का फंक्शन, तो फंक्शन को जैसे ही हम कॉल करते हैं, तो
तो उसके पीछे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होती हैं, और उसके नतीजे में जितने सारे काम होने होते हैं, चाय के लिए चीनी पत्ती बेतहाशा चीजें कलेक्ट करना, वो सारी इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ स्टेटमेंट परफॉर्म होती हैं और आखिर के अंदर आपको चाय बनी हुई मिल जाती है। तो ये जो फंक्शन है आपसे क्या इनपुट लेता है, जैसे कि यहाँ पे एज और नेम स्ट्रिंग में लेता है आपको बुलियन। तो इसी तरह कि जब आप चाय बनाने का फंक्शन बनाते हैं तो दूध चीनी पत्ती वो आपसे इनपुट लेता है, और आखिर में जो आपको चीज रिटर्न करता है उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं चाय। तो ये डेटा टाइप्स वगैरह हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कुछ फंक्शन जब हम बनाते हैं उन फंक्शन को चलाने के लिए लाजमी कुछ ना कुछ पैरामीटर चाहिए होते हैं जिसे हम कहते हैं रिक्वायर्ड पैरामीटर। अच्छा ये है कि जैसे हमने कहा कि शादी का फंक्शन, आप किसी भी मजहब में जाते हैं तो शादी के फंक्शन में दो चीजें तो लाजमी रिक्वायर्ड है। अब वो दुनिया में चेंजेस आती जा रही है वो बात अलग है, लेकिन मेल और फीमेल दो आपके पैरामीटर्स लास्ट मजाहिब में, ठीक है। अच्छा तो अब क्या हुआ इस्लामिक, अगर हम उससे देखें रिलीजियस से, तो दोस्तों यहाँ पे दूल्हा दुल्हन आपके दो गवाह लड़की की तरफ से, दो गवाह लड़के की तरफ से, और इसके अलावा एक काजी। पैरामीटर आपके कमोबेश बनते हैं जो कि लाजमी आपको निकाह करने के लिए चाहिए होते हैं। तो इसी तरह जैसे ऊपर वाला जो जुनेद ने फंक्शन बनाया है उस फंक्शन में दोनों पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं, यानी एक भी चीज कम होगी तो वो फंक्शन काम नहीं करेगा आपको। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड पैरामीटर की टाइप है। अच्छा फिर हम वो देखते हैं रिटर्न और नॉन रिटर्न। रिटर्न फंक्शन ऐसा फंक्शन जो कोई काम करने के बाद आपको वैल्यू रिटर्न करे। इसको मैं बहुत आसानी से मैं जिस तरह याद रखता हूँ, रिटर्न फंक्शन वो फंक्शन कॉल करने के बाद अगर किसी वेरिएबल में उसकी वैल्यू डाली जाए तो उस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू असाइन हो जाए तो उसको रिटर्न वेरिएबल कहते हैं या रिटर्न फंक्शन कहते हैं। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ आसानी से याद रखने के लिए कि आप फंक्शन एक वेरिएबल बनाते हुए उसके सामने कॉल करके देखें, अगर वो फंक्शन चले और उस वेरिएबल में नन के अलावा कोई भी और वैल्यू आ जाए तो उस फंक्शन को हम रिटर्न फंक्शन कहते हैं, और अगर वो फंक्शन चलता है और उस वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं आती यानी नन आता है तो इसका मतलब है वो नॉन रिटर्न फंक्शन है। तो अब ये सारी टाइप हम देखेंगे कि रिक्वायर्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, ऑप्शनल पैरामीटर्स क्या होते हैं, हम रिक्वायर्ड और ऑप्शनल पैरामीटर एक साथ किस तरह पास कर सकते हैं, हम अनलिमिटेड पैरामीटर्स जो कि आपके पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो कैसे पास कर सकते हैं, हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट किस तरह पास कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम करते हुए चलते हैं। जी सर, जी अमीन, अच्छा आपने जुनैद भाई टॉप पर, सबसे टॉप पर एक सबसे टॉप पे एक सेल ले लें, एक वेरिएबल लिखे और उसको प्रिंट कर दें, वेरिएबल में हेलो कर दें किसी का नाम भी, मतलब हेलो सर कासिम, प्रिंट प्रिंट करवाओ। अच्छा सबसे पहली चीज हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन में पढ़ी थी, वो पढ़ा था इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब क्या था, सीक्वेंस में हमारा पूरा कोड चल रहा है, मतलब जब ग्रीड का ये वेरिएबल बना तो हमें बताया जुनैद भाई, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इंटरप्रेट हाईलाइट करके दिखाएं कैसे चला। हाँ ये स्टेटमेंट पूरी चली, ये इंटरप्रेट होती भी गई, जैसे ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुई ये एग्जीक्यूट हो गई, नीचे वाली स्टेटमेंट आई ये इंटरप्रेट हुई एग्जीक्यूट हो गई। तो हमारा कोड सीक्वेंस से चलता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता हो जाता है, जो आप लिखोगे प्रिंट होगा। इवन अगर जुनैद भाई प्रिंट से पहले कोई भी लिख दें एबीसी एरर के तौर पर, प्रिंट से पहले, प्रिंट से पहले एक लाइन, फिर हाँ इंटर कर दें, एक एक लाइन इंटर कर दें, इसके बाद इंटर इंटर का प्रिंट, हाँ अब जुनैद करें। अब क्योंकि अब आप कहेंगे ग्रीड के अंदर तो वेरिएबल सही रखा हुआ और प्रिंट में ग्रीड रखा हुआ है, लेकिन ये एएसएफ जो है ये एक एरर है, क्योंकि हमने कोड गलत तरीके से लिखा है, एक तरह का हमारा सिंटैक्स एरर है ये।
अब हमारे कोड में ग्रीड प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम हमें भी मालूम है हमारी प्रोग्रामिंग इंटरप्रेट होकर चल रही है, टॉप से बॉटम तक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हुए जा रही है। जब ये सिक्वेंस हमें समझ में आती है तो हमारे माइंड में पहला कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है कि हमारा कोड अगर लिखा हुआ टॉप से बॉटम तक या लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हुए इंटरप्रेट होते हुए चलता है, यहाँ तक तो बात समझ आ जाती है। इसको हम बोलते हैं हमारा प्रोग्रामिंग का फ्लो, आसान जबान में इसको हम फ्लो का वर्ड कह देते हैं, और सिक्वेंस फ्लो बोल देते हैं, मतलब एक फ्लो है जो सिक्वेंस में चलता हुआ जा रहा है। समझने के लिए नीचे आते हैं, नीचे वाला कोड दिखाएं अपना जो पहले से लिखा हुआ। यहाँ पर हम एक चीज पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि सर जिया की एज 23 है और सर कासिम की एज 29 है। अगर हम अपना वाला माइंड यूज करें जिसमें हमें पता था लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसको कंसिडर करते हुए हमें पता चला कि पहले सर जिया का एक वेरिएबल बना, उसके थ्रू 23 वैल्यू स्टोर हुई, फिर सर कासिम का एक वेरिएबल बना, फिर हम स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंस में सोचें इसको। जैसे कि आप एज अ ह्यूमन इसको देख रहे हो तो पूरा देख रहे हैं, लेकिन कोड कैसे देखेगा, इंटरप्रेट हो देखेगा सिक्वेंस में, पहले एक लाइन फिर दूसरी लाइन फिर तीसरी लाइन फिर फोर्थ लाइन फिर फिफ्थ लाइन, इस तरीके से हम देखें। तो जब शुरू की दो लाइन हमने देखी तो यहाँ पर हमें बड़ा अच्छे से क्लियर हो गया दो वैल्यू है और वो स्टोर हो गई है, बड़ा जबरदस्त समझ में आ रहा है। हम नीचे आते हैं, हमें मिलता है कुछ इफ एल इफ एल्स समथिंग समथिंग लिखा हुआ है, और तीन प्रिंट वैल्यू लगी। तीन प्रिंट का मतलब है एक जगह पे सर दिया यंगर देन सर कासिम है, दूसरी जगह इक्वल लिखा हुआ है, तीसरी जगह ये। अगर मैं अपना सिक्वेंस वाला फ्लो लेके चलूं जो भी मैंने सीखा था उसके मुताबिक, तो तीन प्रिंट यूज होंगे, पहले दो वेरिएबल बने, फिर एक प्रिंट हुआ, फिर दूसरा प्रिंट हुआ, फिर तीसरा प्रिंट हुआ। लेकिन जब इस कोड को रन करा नीचे हमने देखा तो यहाँ पर हुआ हुआ क्या है, यहाँ तो कुछ अलग ही कहानी सीखने को मिली। ट्रू सर जी आर यंगर देन सर कासिम, इसका मतलब जो ये वाली लाइन है हाईलाइट अगर जुनैद भाई करी ऊपर वाली लाइन, प्रिंट पहला वाला देखें ये प्रिंट चला है, बाकी प्रिंट क्यों नहीं चले। फिर प्रोग्रामिंग तो अपने सिक्वेंस फ्लो के साथ रन होती है, इंटरप्रेट होती है, तो दो क्यों नहीं चले। तो फिर हमें पता लगा प्रोग्रामिंग ने अपने पास कुछ कीवर्ड्स रखे हैं, उस कीवर्ड्स के बेस पे हम प्रोग्रामिंग के फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो फ्लो का कंट्रोल करने का मकसद क्या है, फ्लो का कंट्रोल करने का मकसद ये है जिसको हम कंट्रोल फ्लो का नाम यूज करते हैं। कंट्रोल फ्लो का आप ऐसे कंसिडर करें, हमारे नजदीक ये पूरा कोड लाइन बाय लाइन चलना था, लेकिन हमने क्या करा इस पूरे फ्लो को कंट्रोल करा और अपनी मर्जी का पीस ऑफ कोड रन करा। देखिए नीचे वाले दो रन नहीं हुआ ऊपर वाला रन हुआ, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल फ्लो, हमने फ्लो को कंट्रोल कर लिया। अब इस फ्लो को कंट्रोल कैसे करा, अगर हमें थोड़ा सा स्मार्ट डिसीजन लें तो हमें ये पता लग गया, हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें ये देखना था कि किसकी एज कौन यंगर है, अगर सर दिया यंगर है तो वो आ जाए, अगर सर कासिम यंगर है तो सर कासिम आ जाए। तो हमें कुछ कंडीशनल बेसिस के ऊपर डिसीजन लेना था। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, क्योंकि इंग्लिश वाले वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश का वर्ड्स क्या है, सर दिया सर कासिम अमीन जुनेद, ये इंग्लिश वाले वर्ड है। तो एज अ ह्यूमन मुझे कोई बोले कि जुनेद भाई सर जिया से छोटे या बड़े, तो मुझे ह्यूमन हूँ मैं, चीजों को शक्ल देख के भी पता है और मैं जानता भी हूँ दोनों को, तो मुझे दोनों की एज ही मालूम है, तो मैं तो ऐसे ही बताऊंगा। लेकिन प्रोग्राम प्रोग्राम कैसे बताएगा, प्रोग्राम में हर चीज इंटेंट है, इंटेंट का मतलब नंबर है या तो कोई ना कोई इंग्लिश का वर्ड है। अब प्रोग्राम क्योंकि इस प्रोग्राम इंग्लिश को ट्रांसलेट नहीं कर सकता, कोई भी प्रोग्राम मोहम्मद जुनेद को ट्रांसलेट नहीं कर सकता, कोई भी प्रोग्राम सर जिया उल्ला खान को ट्रांसलेट नहीं कर सकता, तो हमें मजबूरी थी कंट्रोल फ्लो बनाने की जिसके अंदर हम मैच कराएं। मैच कराने का मतलब हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करें, लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब क्या है, या हम इसको कह सकते हैं मैच करवाएं। मैच क्या कराएं, सर कासिम की एज सपोज करें 25 साल, सर दिया की एज सपोज करें 30 ईयर्स, तो हम मैच कराएं कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब ऐसा इवन मैं तो बोल दूंगा हाँ 25 वाला छोटा है 30 वाला बड़ा, लेकिन प्रोग्राम इन दोनों को मैच करेगा। अगर मैथमेटिक डिसीजन है तो वो ग्रेटर देन लेस देन पे ले सकता है, एक प्लस टू पे ले सकता है। अगर कोई इंग्लिश का वर्ड है जिसको हम बोलते हैं सेमेंटिक, कोई सेमेंटिक है कोई इंग्लिश वर्ड है, तो उसको मैच करना पड़ेगा कि भाई जिया इक्वल टू जिया इज ट्रू, जिया इक्वल टू जुनेद इज फॉल्स, सर जिया इज इक्वल टू सर जुनेद इज फॉल्स, सर जिया सर जुनेद इक्वल टू सर जुनेद इज ट्रू, क्योंकि प्रोग्राम इसी तरह चलता है। तो हमने कंट्रोल फ्लो क्या बनाया, कंट्रोल फ्लो हमने कहा एक कीवर्ड लेते हैं जिसका नाम है इफ। इस कीवर्ड को पाइथन ने बनाया, इस कीवर्ड की मदद से हम अपने प्रोग्रामिंग का कंट्रोल फ्लो कर सकते हैं, मतलब हम अपनी मर्जी का फ्लो को अपनी अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। तो हमने कहा एक काम करते हैं, इफ सर या सर कासिम और बीच में लगा दिया हमने लेस देन, इसको आप लेफ्ट साइड से देखा करें, लेफ्ट साइड पे क्या है लेस देन है, तो हमने इसको लेस देन कहा, या इसको आप ऐसे कर लें, ऐसे हम आसानी से करते हैं, ये एल का साइन है तो ये एल का साइन लेस देन है, मैं अपना इशारा बता रहा हूँ मतलब गेस्चर बता रहा हूँ, इस ये बड़ा आसान तरीका होता है लेस देन, वरना परेशानी हो जाती है ग्रेटर देन कौन सा लेस देन कौन सा। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से बनाएं तो ये जो एल एल बन रहा है और ये लेस देन का साइन भी बन रहा है, तो ये लेस देन है ठीक है। तो इसका मतलब हमने कंट्रोल फ्लो कर लिया कि जब ये ट्रू होगा, मतलब सच में सर दिया की एज सर कासिम से कम होगी तो ही ये प्रिंट चलेगा,
इन केस सर दिया कि एज सर कासिम से कम नहीं होती तो नीचे वाला कंट्रोल वो जाके चेक करेगा कि उसमें क्या सर दिया कि एज सर कासिम के बराबर है। तो अभी के केस में तो हमें नजर आ रही है ऊपर 23 29 लिखी हुई, तो बराबर हो ही नहीं सकती, तो हमें पता है नीचे वाला प्रिंट नहीं चलेगा। तो उसका मतलब पूरी सिक्वेंस में हमने अपनी मर्जी के फ्लो को रन करा। हम हमें पता था भाई कौन सा रन करना, तीनों में से ये वाला रन करो। किस बेस पे? डिसीजन प्रोग्रामिंग ने लिया बताया हमने। नीचे आया हमने एक एल्स दे दिया, मतलब कंट्रोल फ्लो का हमने चलाते हुए एक डिसीजन मेकिंग बना दी। तो ये हमारा इफ एल्स का कॉन्सेप्ट होता है, जहां पर हम अपनी मर्जी का फ्लो अपने मुताबिक रन करवाते हैं। वरना तो हम तो इंटरप्रेट को जानते हैं, इंटरप्रेट तो लाइन बाय लाइन चलेगा, लेकिन यहाँ पर हमारी मर्जी की हमने फ्लो को सेटअप कर लिया। अब इसके अंदर तीन ऑप्शन है, ये क्योंकि सिक्वेंस तो चलेगी। कंट्रोल फ्लो का मतलब ये नहीं है कि इंटरप्रेटर खत्म हो जाएगा, इंटरप्रेटर अपनी जगह है। इंटरप्रेटर अगर ऊपर से चलाते हुए तो होगा क्या कि पहले सरदिया का वेरिएबल क्रिएट हुआ, फिर सरकासिम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, फिर इफ सरदिया एज सरकासिम एज जो है ये मैच हुई यहाँ पर। हाँ इसकी ब्लॉक पर रोक दो बस। हाँ यहाँ पर ना उसने देखा कि इसने कहा भाई इफ लगा हुआ है, अब मुझे डिसीजन लेना है क्या ये इफ सही है ट्रू है, तो मुझे इसका फ्लो रन करना है, अदरवाइज मुझे नेक्स्ट वाले एलिफ पे चले जाना है। सही है, चलेगा अभी भी इंटरप्रेट हो गई है। जब नेक्स्ट वाले एलिफ पे जाएगा तो उसकी कंडीशन को देखेगा क्या ये ट्रू है, अगर ट्रू है तो रन कर दो, अदरवाइज नेक्स्ट वाले फ्लो पे चले जाओ। मतलब उस फ्लो को क्या करेगा, गैप कर देगा। सपोज करें ऊपर एज चेंज करें जुनैद भाई, सर जी की एज आप बढ़ा दें या सर कासिम की कम कर दें। नहीं वो सॉरी वो अभी तो एक ही हो जाएगा ना। अच्छा हो गया, सही सही। अभी देखें नीचे क्या चला, रन हुआ ये। जी खेडन पे आ गए ना। अच्छा लास्ट वाले में आ गया, अगर हम ऊपर से चलाते हुए तो चला कैसे ये, अब पहले वाले ब्लॉक पे रुक जाए। हाँ अभी देखिए यहाँ तक चला है, यहाँ के बाद उसको पता लगा कि भाई मुझे कंट्रोल करा गया है, मेरे फ्लो को कंट्रोल किया गया है, अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तो मैं नीचे वाला कोड चला सकता हूँ, अदरवाइज मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, मैं नीचे वाला प्रिंट चला सकता। ये प्रोग्राम हो गया, अब वो डायरेक्ट जंप करेगा नीचे वाले पे आ जाएगा, प्रिंट को छोड़ देगा, नीचे जंप कर ले वो कर नहीं पाएंगे। और हाँ ऊपर वाला जो है प्रिंट, एक काम करो वो हाईलाइट खत्म कर दे बस, जहां पर है वहां पर आ जाए, एलिफ दिखा दे खाली एलिफ। हाँ वो जंप कर कर आया, उसने उस प्रिंट को इग्नोर करा, उसने उस प्रिंट को नहीं चलाया, यही तो हमारा एलिफ का कमाल है। अब ये एलिफ आया, एलिफ को उसने मैच करा, क्या ये सच है ट्रू है या फॉल्स है, उसको मिला ये भी फॉल्स है, तो उसको कंट्रोल करा गया है कि अगर ये फॉल्स होगा तो आपने इसका प्रिंट नहीं चलाना। फिर उसने जंप करी एल्स के ऊपर, जब उसने एल्स पर जंप करी तो उसने कहा यहाँ पर मेरे पास कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, यहाँ पर हर चीज ये कह सकते हैं हम ओपन फ्लो है कि जो भी नीचे आ जाए एल्स पर आ जाए। यहाँ पर उसको मिला कि यहाँ पर तो मुझे कोई कंट्रोल कर ही नहीं रहा, तो अब मैं सिक्वेंस में चल जाऊंगा, तो एल्स पे जैसे ही आया तो उसको पता लगा कि मुझे नीचे वाला प्रिंट रन करना है, तो तीनों में से कोई एक रन हुआ, ये होता है कंट्रोल फ्लो। नीचे आए, नीचे आए। हाँ अभी थोड़ी देर पहले हमने ये वाला कोड देखा, इस वाले कोड में हमने क्या करा है, उसी कोड के अंदर कुछ चीजें कम कर दी। पहले हम एल इफ एलिफ एंड एस तीन चीजें यूज कर रहे थे, यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ इफ एंड एल्स यूज करा है। सही है, सिंपल बहुत आसान तरीके से शॉर्ट हैंड में यूज करने की हमने कोशिश करी कि बिल्कुल आसान तरीका, शॉर्ट हैंड एक लाइन में कैसे यूज हो सकता है, वही चीज है सेम बस छोटा कोड है, ये समझना शायद ज्यादा आसान होगा। नीचे आ जाते, अब हमें जो एक नई चीज समझ में आई है, ये हमें एक और चीज मिली है फंक्शन। अब हमें तो कंट्रोल फ्लो हम सीख कर आए, कंट्रोल फ्लो जो सीख कर आए हमें बहुत अच्छे से एक बात मालूम है कि हमने अपने फ्लो को अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल करा, तो हमें ये फंक्शन देख के भी शायद वही एग्जाम्पल आएगी, अच्छा ये भी तो कंट्रोल फ्लो है, ये कंट्रोल फ्लो नहीं है, फंक्शन कंट्रोल फ्लो नहीं होता। कंट्रोल फ्लो से मुराद क्या थी कि आपका कोड लाइन बाय लाइन चलता हुआ आ रहा है, कोई ऐसी जगह उसके पास आई जहां पर उसने जो अगला फ्लो चलाना था उसको गैप करा और आगे बढ़ा, उसको गैप करा और आगे बढ़ा, मतलब उसके फ्लो को हमने अपनी मर्जी से डिजाइन कर दिया, उसको कंट्रोल फ्लो बोलते हैं। फंक्शन में ऐसा नहीं होता, फंक्शन में जो फंक्शन है वो चल जाता है रन हो जाता है, उसके सेटिंग दूसरी होती है। फंक्शन की जो डेफिनेशन आती है वो आती है बिल्डिंग ब्लॉक से, मतलब इसको कंट्रोल फ्लो नहीं बोलना कोई भी फंक्शन को, ये कंट्रोल फ्लो नहीं है बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक की डेफिनेशन क्या आती है, कि आपने अपना कोई कोड स्पेसिफिक एक ब्लॉक के अंदर रख दिया और उसको बना के रख दिया, और आप उस कोड को रीयूज कर सकते हो मल्टीपल टाइम, आप उस कोड को कंसिडर कर सकते हो मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है, एक पीस ऑफ कोड जो कहीं भी फिट हो सकता है, जैसे कि मॉड्यूल क्या होता है, सपोज करें ब्लॉक, अगर हम वॉल बना रहे हैं तो वॉल बनाने के लिए हम ब्लॉक परचेस करते हैं, उस ब्लॉक को हम जोड़ के दोबारा बना देते हैं, उसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। सही है, छोटी छोटी चीजें हम ला के जोड़ दी। तो फंक्शन जो होता है वो एक मॉड्यूलर अप्रोच क्रिएट करता है कि आप अपने कोड को एक ऐसे ब्लॉक में रैप कर दो
जो आप मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हो, रीयूजिबिलिटी आ जाती है, मल्टीपल टाइम अपने मुताबिक उसकी सिक्वेंस लेके चल सकते हो, और वो पीस ऑफ कोड आप किसी भी टाइम जब भी आपको चाहिए वो आप उसको पुकार सकते हो, पुकार से मुराद है कॉल कर सकते हो। अब हमने क्या करा, हमने कहा एक फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन के अंदर थोड़ा सा ये ट्रिकी हो गया, एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं ग्रीटिंग का, ऊपर ऊपर एक और ऐड कर लें फंक्शन का। अच्छा, फंक्शन लिखने का तरीका क्या गया, पाइथन ये कहता है कि अगर आपने फंक्शन लिखना है तो आपने पहले एक कीवर्ड मेरे पास है डेफ DEF वो लिखना है, उसके बाद आप उस फंक्शन का जो भी नाम रखना चाह रहे हो उसको आपने नाम से रखना है। मेक श्योर नाम रखते वक्त आपने कोई लीगल नाम यूज करना है, इलीगल नाम यूज नहीं करना। अब ये लीगल और इलीगल क्या होता है, ये वेरिएबल पढ़ते हुए हमने बड़ा डिटेल में जाना था, शॉर्ट में ये समझते हैं जो नाम अफोर्डेबल हो प्रोग्रामिंग के लिए या उसके पास अवेलेबल हो। ठीक, हमने ग्रीट रखा, ये बड़ा जबरदस्त नाम था। फंक्शन को लिखने का तरीकेकार क्या होता है, उसके बाद एक बॉडी होती है पैरेंथेसिस की, क्योंकि फंक्शन बिल्डिंग ब्लॉक होता है, तो बिल्डिंग ब्लॉक कोई भी चीज जब क्रिएट होती है तो उसके पास सीक्वेंस अपना अपना सीक्वेंस होता है। जब अपना सीक्वेंस होता है तो हम उसको लिखते वक्त उसका एक पैरेंथेसिस लेते हैं। पैरेंथेसिस क्यों लेते हैं, इसकी भी हम बहुत बड़ी वजह है, वो हम जानेंगे। अभी हमने लिखा ग्रीट, ग्रीट के अंदर रिटर्न करा हेलो। अब हमें पता है हमने एक ऐसा कोड लिखा जो सीक्वेंस से चला, अगर हम सीक्वेंस जाने तो सीक्वेंस से रन हुआ है, मतलब ऐसा नहीं रन नहीं हुआ, लेकिन फंक्शन के पास दो रोल होते हैं, एक होता है फंक्शन का क्रिएट होना, दूसरा होता है फंक्शन का रन होना। क्रिएट एक बार होता है, रन जितनी बार चाहे करो, इस जब भी तो हम उसको बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं कि ये रीयूज हो सकता है, एक बार बन गया तो 10 बार यूज करो, जितनी बार चाहे यूज। तो हमने ग्रीट का जो फंक्शन बनाया है इसकी सीक्वेंस में कोई भी कंट्रोल फ्लो नहीं लगा, इसकी सीक्वेंस वैसी ही थी जैसे होती है, लेकिन हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक का कंट्रोल आ गया। बिल्डिंग ब्लॉक का कंट्रोल कैसा आ गया कि इस फंक्शन को हम कहीं कहीं भी कॉल करेंगे, जैसे अगर जुनैद भाई यहाँ पे ग्रीट लिखकर पैरेंथेसिस के ब्रैकेट लगाए, ये पैरेंथेसिस के ब्रैकेट, जैसे जुनैद भाई ने ये रन करा, आप देखें ऊपर वाला जो हेलो था वो प्रिंट हो गया। अभी ऊपर वाला हेलो कैसे प्रिंट हो गया नीचे, तो हुआ क्या, प्रोग्रामिंग अभी यहाँ पर भी बिल्डिंग ब्लॉक में थोड़ी सी चेंजेस होती है एग्जीक्यूशन फ्लो में। एग्जीक्यूशन फ्लो में क्या चेंजेस होती है, हमने तो इंटरप्रेटर पढ़ा था, हमारे मुताबिक तो कोड लाइन बाय लाइन चलता हुआ था, फिर हमने कंट्रोल फ्लो पढ़ा जिसकी मदद से हम जंप कर सकते हैं, कोई चीज अपनी मर्जी का फ्लो लेके चल सकते हैं। अब हमने बिल्डिंग ब्लॉक पढ़ा, बिल्डिंग ब्लॉक में क्या होता है कि आपने एक ब्लॉक बनाकर रख दिया, उस ब्लॉक को आप जब भी चाहें जहां भी चाहें दोबारा कॉल कर सकते हैं, मतलब कोड कहाँ से चलता हुआ है, टॉप से बॉटम तक चलता हुआ है, उसके दरमियान फंक्शन था वो नीचे आ गया, नीचे जैसे उस फंक्शन को कॉल करा गया उस जगह से आपका ऊपर वाला कोड दोबारा से रन हुआ, और उसको रन होने के बाद जो भी आउटपुट आ सकता था वो आ गया और आपके यहाँ रन हो गया। अब हमें एक चीज तो समझ में आता है, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का मतलब था एक ऐसा कोड जो 10 बार 20 बार 30 बार जितनी बार चाहे इस्तेमाल करो, मसला ही नहीं है। सही है, अभी इसमें टाइपिंग चलना सही है। अच्छा, ये जुनैद भाई ने टाइपिंग क्रिएट कर दी, फंक्शन लिखने की बेस्ट प्रैक्टिस उसको यूज करा है, वैसे भी यूज हो सकता था ऐसे भी यूज हो सकता था, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये वाली है। अब जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हमें एक साइंस समझ नहीं आ रही इस बिल्डिंग ब्लॉक की। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसमें से रिटर्न हटा दें, हम सिंपल प्रिंट हेलो लिख दें थोड़ी देर के लिए, फिर हम रिटर्न पढ़ेंगे, ठीक है, और नीचे हम डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करें वाला भी हटा मिटा दें, यहां तक तो हमें समझ में आ रहा था। देखें ऊपर वाली लाइन एक बार जुनैद भाई ने जब चलाई तो नीचे देखें उस ऊपर लाइन इंडेक्स नंबर 27 में कोई आउटपुट नहीं आया, जबकि प्रिंट तो लिखा हुआ आउटपुट क्यों नहीं आया, तो यही बिल्डिंग ब्लॉक का कमाल होता है कि वो अपना स्कोप क्रिएट करता है। अपने स्कोप का मतलब अपनी अपनी मर्जी का एक ब्लॉक, ब्लॉक कौन क्रिएट करता है, ये जो आपके पास मतलब वो लगा हुआ है कॉलन लगा हुआ है, ये कॉलन की जिम्मेदारी होती है कि अपने पास एक ब्लॉक क्रिएट करो, जैसे ऊपर फंक्शन के साथ कॉलन है, कॉलन हाईलाइट करें, ये ब्लॉक होता है। ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जितनी भी चीजें आएंगी वो इसको रैप कर लेगा अपने पास, और वो कैसे रैप करेगा, इंडेंटेशन की मदद से, जो इसके नीचे वाले प्रिंट के साथ इंडेंटेशन लगी, मतलब डबल स्पेस लगे हुए या एक टैब लगा हुआ। तो ये था, हमें समझ में आ गया, फंक्शन के अंदर ब्लॉक बना दिया, उसमें कोड था, जब उस फंक्शन को रन करा तो वो रन हो गया। अब ग्रीट 2 बार कॉल कर लें, जयंत भाई नीचे 2 बार ग्रीट कॉल करें। हाँ दो बार हेलो, यही तो फायदा है बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब एक स्पेसिफिक कोड को 2 बार चलाएं, 10 बार चलाएं, 20 बार जितनी बार चलाएं, ये होता है रीयूजिबिलिटी या मॉड्यूलर अप्रोच। तो ये इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जानते हैं, इसको फंक्शन भी बोलते हैं, या डेफिनेशन डेफ स्कोप पर लिखा हुआ, डेफिनेशन फंक्शन भी लिखा हुआ पाइथन के मुताबिक। ये तो हमें समझ में आ जाता है, इस कोड में किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं होगी होपफुली, बड़ा सिंपल सा कोड है, एक बार चलाएंगे। अब इसमें एक और चीज आती है
वो चीज आती है रिटर्न। अगर जुनैद भाई ने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा तो देखें, नोटिस करें, जैसे जुनैद भाई ने ग्रीट रन करा है तो 2 बार हेलो आ गया, लेकिन जुनैद भाई किस ग्रीट को किसी वेरिएबल में रखवाए, वेरिएबल के थ्रू होल्ड करवाए, नीचे नीचे एक रख दें कोई भी ग्रीट 1 वेरिएबल, हाँ कोई भी नाम रख दें जो आपको बेस्ट लगे, आंसर 2 कर दें, ये भी सही है। एक आंसर ला आपके नाम से बना लिया, आउटपुट के नाम से बना लिया, अब इन दोनों को प्रिंट करवा दें। तो ये हेलो नन, हेलो नन, हेलो नन का मतलब क्या है? एक एक बार रख दें, एक हटा दें, सिर्फ एक ही रखें ताकि वो और आसान कर लेते। अब ये हेलो नन क्या है, अब हमें कैसे पता लगेगा हेलो कौन सा और नन कौन सा? ऊपर तो हेलो नजर दिखा रहा है, नीचे वाला आंसर नन कैसे हो गया? एक काम करें, नीचे आंसर के पास कॉमा लगा, कॉमा लगा के दोबारा से कुछ लिख दें, कुछ भी लिख दें अपनी मर्जी, सेकेंड प्रिंट लिख दें स्ट्रिंग में। हाँ सही है, ये सेकंड प्रिंट के अंदर नन क्यों आ रहा है? ये हमने अपनी आसानी के लिए देखा, तो हमें पता लगा कि हमारा जो फंक्शन है उसमें 2 चीजें हुई हैं। पहला, फंक्शन की जिम्मेदारी क्या होती है? फंक्शन की एक जिम्मेदारी होती है, पहला जब फंक्शन रन होता है उसका ब्लॉक स्टार्ट हुआ, ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हुआ? उसकी इंडेंटेशन से। अब जैसे हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, उस फंक्शन के अंदर जितनी चीजें रखी हैं वो सब रन हो जाएंगी, रन कैसे होंगी वो भी इंटरप्रेट होकर ही रन होंगी, मतलब फंक्शन के अंदर उसका अपना एक तो वो है स्कोप है और उसका अपना इंटरप्रेटर चलेगा अंदर, लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 8 तक जितना भी जा तक जाता है लाइन बाय लाइन। लेकिन फंक्शन की एक रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट क्या होती है? फंक्शन बोलता है आप मुझे टर्मिनेट करो, मतलब मुझे रोको कहीं पर, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर जाकर टर्मिनेट करो, क्विट करो, और जिस जगह पर आप मुझे टर्मिनेट करोगे उसकी जो स्टेट होगी वो मैं आपको वापस दूंगा, मतलब आपको बताऊंगा आपने मुझे कहाँ टर्मिनेट करा और उस वक्त क्या हालात थे। सही है, ये फंक्शन के पास खूबी होती है, लेकिन हमने तो फंक्शन को टर्मिनेट ही नहीं करा। जब हमने फंक्शन को टर्मिनेट ही नहीं करा तो उसके पास उसके एंड सीक्वेंस की वैल्यू नहीं है, उसको पता ही नहीं है लास्ट में क्या हुआ था। तो जब हमने फंक्शन ग्रीट को कॉल करते वक्त उसके एक वेरिएबल के थ्रू होल्ड करवाया, उस वेरिएबल की वैल्यू देखी तो हमें नन मिली, इसका मतलब वो फंक्शन चला है जबरदस्त तरीके से चला है, ऐसा नहीं चला, लेकिन वो फंक्शन किसी स्पेसिफिक जगह पर टर्मिनेट हमने नहीं करा, बल्कि वो खुद ही एक जगह पर आके जब उसका कोड खत्म हो गया और वो रुक गया, हमने टर्मिनेट नहीं करा। जब हमने टर्मिनेट नहीं करा तो हमारे पास कोई स्टेट नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है कि टर्मिनेशन होते वक्त क्या अपडेट थी या क्या स्टेटस था या क्या स्टेट थी। तो इस टर्मिनेटर को हम कहाँ से लाए? हमने तो प्रिंट लगाया, जबकि प्रिंट की प्रोग्रामिंग के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, प्रिंट का काम सिर्फ ये होता है उसको जो चीज आप दोगे उसको वो कंसोल में दिखा देगा, और कोई इसकी वैल्यू नहीं है। तो प्रिंट तो हमने जहाँ लिखा वहां वो रन हो जाता है, मतलब जैसे फंक्शन चला प्रिंट रन हो गया, लेकिन टर्मिनेशन स्टेट क्या है? अगर हमारे से कोई सवाल करे इस फंक्शन की टर्मिनेशन स्टेट है क्या, तो हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि हमने टर्मिनेट करा ही नहीं है, तो टर्मिनेट नहीं करा तो टर्मिनेशन स्टेट भी नहीं है। तो यही रीजन है जब ग्रीड को मैंने वेरिएबल में रखवाया और उस आंसर को मैंने नीचे जाके देखा तो उस पर नन आया, नन का मतलब उसको पता ही नहीं है मेरे मुझे कहाँ टर्मिनेट करना है। अब इस प्रिंट को मिटा दें, एक काम करते हैं हम इसको प्रॉपर टर्मिनेट करेंगे, और प्रॉपर टर्मिनेट करने के लिए हम एक काम करते हैं इसके अंदर प्रिंट मिटा दें, डिलीट ही कर दें। हाँ हम इसके अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम हेलो रखते हैं, उसके अंदर वैल्यू भी हेलो रखते हैं, ठीक है, और नीचे रिटर्न लिखते हैं। ये रिटर्न कौन है? ये रिटर्न वही है जो फंक्शन को टर्मिनेट करता है और साथ साथ उसका जो फाइनल स्टेट होता है उसको याद रख देता है। तो हमने रिटर्न लगा दिया, मतलब फंक्शन यहाँ आके रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और टर्मिनेट होते वक्त क्या होगा, हमने उसको स्टेटस देना है, हमने उसको वेरिएबल का नाम दे देते हैं हेलो। तो अब इसका मतलब ये फंक्शन कहाँ टर्मिनेट हुआ? हेलो पे टर्मिनेट हुआ, और हेलो के अंदर स्ट्रिंग में हेलो लिखा हुआ। तो जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और किसी वेरिएबल में इसको होल्ड कराएंगे तो ये हमें बता देगा हेलो। अब नीचे जो आंसर वाला वेरिएबल है देखें उसमें क्या आएगा, फिर ऊपर वाला फंक्शन रन करें, नीचे वाला रन करें, देखें पहले हेलो, पहले नन आ रहा था, अब हेलो आया, इसका मतलब हमारा फंक्शन प्रॉपर टर्मिनेट हुआ है और टर्मिनेशन का स्टेट उसके पास मौजूद है। तो जैसे ही हमने उस फंक्शन को कॉल करा तो फंक्शन ने अपना फंक्शन रन करा लाइन बाय लाइन, उसका अपना स्कोप था, उसके अंदर इंटरप्रेशन इंटरप्रेट हुई, कोड एग्जीक्यूट हुआ, कोड एग्जीक्यूट होने के बाद किसी एक जगह पर आके टर्मिनेट हुआ, जिस जगह पर टर्मिनेट हुआ वहां पर जो भी आउटपुट था उसने अपने पास रखा और वापस से वो आउटपुट पहुंचा दिया उसके पास जिसने उस फंक्शन को कॉल करा था। तो इसी नहीं है आंसर के पास हेलो आ गया, जबकि हेलो हमने रिटर्न को दिया था। तो क्योंकि हेलो जो है वो रिटर्न को मिला है, मतलब उसकी टर्मिनेशन स्टेट है, इसीलिए फंक्शन जिसने कॉल करा उसको उसकी टर्मिनेशन स्टेट वापस मिल गई और के ये हेलो रन हुआ था। ये हमारा ग्रीटिंग हो गया,
होपफुली इसमें आप लोगों को कोई सवाल नहीं होगा। अगर फिर भी किसी को कोई सवाल होता है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लेना। इससे ज्यादा और कोई सिंपल एग्जाम्पल बन नहीं सकती, ये प्रैक्टिस से ही आपको क्लियर होगा। अब एक काम करते हैं, ये वाला मिटा देते हैं जो आपने वो करा हुआ कमिट, ये सब मिटा दें। ये कमिट जो ही एक्स्ट्रा कोड था, ये हमारे काम का नहीं था। अच्छा, अब हम एक और स्टेट लेके चलते हैं। स्टेट क्या लेके चलते हैं, हम ये कहते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमने सीखी है, हाई ऑर्डर फंक्शंस होते हैं, अभी इस डिटेल पे भी नहीं जाता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने सीखी है, हम एक ब्लॉक बना रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है जब हम ब्लॉक बना रहे हैं तो उस ब्लॉक को क्योंकि सपोज ये करें प्रिंट, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था प्रिंट क्या है, फंक्शन, प्रिंट इटसेल्फ भी एक फंक्शन है, ये बात तो आप लोगों को पता है। तो प्रिंट के अंदर जब हम कुछ वैल्यू देते हैं तो वो वैल्यू रन हो जाती है, तो सवाल ये आता है ये प्रिंट हमने इस्तेमाल करा या प्रिंट हमने क्रिएट करा, तो क्या जवाब है इसका, मैसेज पे बताएं। खाली प्रिंट जो ना यहाँ लिखे हैं, प्रिंट में कुछ भी लिख दें, एबीसी, तो जवाब आता है तो प्रिंट हमने इस्तेमाल करा, मतलब बनाने वाले हम नहीं, हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और प्रिंट करते वक्त हमने इस प्रिंट के अंदर जो भी लिखा वो रिटर्न हो गया, रिटर्न से मुराद है उसका फाइनल स्टेट था, टर्मिनेशन स्टेट था, टर्मिनेशन स्टेट रन हो गया, यहाँ पे हम प्रिंट हो गया। तो जो प्रिंट था ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने बनाया नहीं, बनाने वाला पाइथन था। लेकिन थोड़ी देर पहले एक फंक्शन हमने भी बनाया ग्रीट का, और वो बनाने वाले हमें, क्या हम अपने बनाए हुए फंक्शन को कोई अपनी मर्जी का डेटा पास कर सकते हैं जिस तरीके से पाइथन ने प्रिंट बनाया था, और उस प्रिंट को हम डेटा पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म आती है पैरामीटर एंड इसको मिटा दें, ठीक है, पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स की टर्म आती है यहाँ पर। हम दोबारा से वही ग्रीट का फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, ग्रीट का फंक्शन बना रहे हैं। अच्छा रिटर्न लिख दें, रिटर्न, रिटर्न प्रिंट नहीं है वो वेरिएबल था। ठीक ऊपर वाले फंक्शन कॉपी करके लिया है, हाँ यहाँ पे एक हेलो के नाम से वेरिएबल बनाए ये, हाँ ये कॉपी कर लेंगे। जुनैद भाई ने देखे इंडेंटेशन सही करी, मतलब स्पेसेस जो लगे हुए थे उसको बिल्कुल एक्यूरेट करा, दो स्पेस यूज करें, ग्रीट का फंक्शन बन गया ये। अब इसमें क्या हो रहा है, तो वही फंक्शन है, इसको एक बार चला दे नीचे, ग्रेड को कॉल कर दे दोबारा से, वो उसको कॉल भी करवा दे नीचे वाली अलग सेल में। ये तो वो चीज थी तो थोड़ी देर पहले पड़ी है। अब इसमें एडिशनल क्या जा रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट है जो ग्रीड है, इस ग्रीड को हम कोई नाम पास करें ताकि हेलो किसी को करे, किसी को ग्रीटिंग करे। अभी तो हेलो कौन, किसको हेलो भाई, हमने कहा किसी को करो, सर कासिम को हेलो करो, सर जिया को करो, सर जुनेद को करो। तो हमने कहा हम एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट करेंगे जिसको हम जो भी नाम देंगे उसका काम ये होगा उसको हेलो करो, मतलब उसको ग्रीट करो, कोई भी नाम दो। सपोज करो हमारे पास जुनेद भाई आया तो फॉरन करेगा हेलो जुनेद, अगर हमारे पास कासिम भाई आया तो कहेगा हेलो सर कासिम। तो इस तरीके से ग्रीट का फंक्शन, तो जाहिर है उस फंक्शन को जब हमने ग्रीट करा और हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हर बार अलग नाम आएगा, समटाइम्स सरजिया का नाम आएगा, समटाइम्स जुनेद का नाम आएगा, कभी किसी का आएगा, कभी किसी का आएगा, जिसका भी नाम आएगा उसको हेलो करने। तो हेलो का जो पैटर्न है वो फिक्स है, आगे जो नाम है वो डायनेमिक है, मतलब नाम किसी का भी आएगा, लेकिन हेलो जो है वो स्टैटिक है, हेलो तो सबको करना है, लेकिन करना है जिसको उसका नाम डायनेमिक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट आ गई कि फंक्शन कॉल करते वक्त हमें एक डेटा पास करना है, उस डेटे में हमें उस बंदे का नाम देना है जिसको ग्रीट करवाना है। तो ये तो ग्रीट का साथ हमारे पास पैरेंथेसिस मिलते हैं, एक्चुअली ये पैरेंथेसिस में हमें यहाँ पर एक आइडेंटिफायर का ऑप्शन मिलता है, इस आइडेंटिफायर के थ्रू हम एक मैकेनिज्म सेट कर सकते हैं जिसका मतलब ये होता है इस फंक्शन को जो भी कॉल करेगा वो एक डेटा पास करेगा, और वो डेटा इस ग्रीड के लिखे हुए पैरेंथेसिस के अंदर एक पैरामीटर के अंदर हमें मिलेगा। तो कोई भी नाम का पैरामीटर ले लें जो आपको बेस्ट लगे, नेम ले लें, ठीक है, जिन्होंने पहले नेम के नाम से रखा। तो जिस तरीके से हम वेरिएबल बनाते थे, सपोज करें ये भी वेरिएबल ही आप समझें लेकिन इसको बोलते पैरामीटर है, हमेशा क्या होता है आपको अगर एक चीज का मतलब पता होता है ना और दूसरी चीज उसकी तरह ही होती है तो आप हमेशा उससे मिलाते हो। जैसे कि आप सपोज करें आपको ये पता है कि गुलाब जामुन जो है वो मीठी होती है, तो कोई और चीज आपने खाई उसका टेस्ट गुलाब जामुन की तरह था, तो आपको उस चीज का नाम नहीं पता लेकिन आपको यार टेस्ट गुलाब जामुन की तरह था, सही है, ये बोल सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं जो नेम है ये वेरिएबल की तरह है लेकिन इसको बोलते हैं पैरामीटर है। अब इस नेम, जाहिर सी बात है जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं उसके साथ हम डेटा टाइप लगा दें क्योंकि हम टाइपिंग के साथ चीजों को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जब हमने नेम बनाया, नेम के साथ स्ट्रिंग की डेटा टाइप बताई कि इसमें स्ट्रिंग आएगा, तो यहाँ तो हमने सिर्फ वेरिएबल बनाया मतलब पैरामीटर बनाया, उस पैरामीटर के नीचे इस्तेमाल भी कर लेते हैं।
हेलो के साथ आप इसमें कॉन्केटिनेट करा दें एफ स्ट्रिंग लगाकर, और इसमें आप पास कर दें जो भी नाम हो। ठीक है, अब हुआ क्या है, इस फंक्शन के पास इसके ऊपर वेरिएबल में, मतलब इसके पैरामीटर में कोई नाम आएगा इस वेरिएबल के अंदर, और वो नाम हेलो के साथ रन हो जाएगा, मतलब चल जाएगा। तो हेलो जो भी नाम आएगा, सपोज करें आया नाम जिशान, हेलो जिशान, नाम आया कासिम, हेलो कासिम, नाम आया सैयद, हेलो सैयद, नाम आया जुनेद, हेलो जुनेद, इस तरीके का रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न पे हमने क्या लगा दिया, टर्मिनेशन स्टेट लगा दिया, टर्मिनेशन स्टेट हेलो होगा, यहाँ पे फंक्शन आके ब्रेक हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब नीचे जाहिर है ये कोई भी थोड़ा सी भी कॉमन सेंस रखता है उसको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो ग्रीड के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर मैंने वेरिएबल बनाया, अब जब भी मैं इस ग्रीड को नीचे कॉल कर रही, नीचे कॉल हो रहा है, तो जब ऊपर बनाते वक्त वेरिएबल और इस्तेमाल करते वक्त उसकी वैल्यू, मतलब बनाते वक्त पैरामीटर, इस्तेमाल करते वक्त आर्गुमेंट, वैल्यू को हम यहाँ पे आर्गुमेंट के नाम से जानते हैं, वेरिएबल को यहाँ हम पैरामीटर के नाम से जानते हैं। तो वेरिएबल का नाम हमने पैरामीटर रख दिया, वैल्यू का नाम उसको हमने यहाँ आर्गुमेंट रख दिया। तो आर्गुमेंट यहाँ हम जो भी पास करें, सपोज करें हम यहाँ पे पास कर दें ग्रीड के अंदर, ठीक है, अब जो भी यहाँ नाम पास हुआ है अगर कॉमन सेंस हमें पता लग गया, ये नाम जाहिर सी बात है ग्रीड के अंदर पैरेंथेसिस में हमने रखा है, तो ये हमारा आर्गुमेंट गया, आर्गुमेंट फंक्शन के पास गया, फंक्शन के पास नेम का पैरामीटर था मतलब वेरिएबल था, उसमें जाके सेव हो गया, उसमें जाके नहीं उसके थ्रू सेव हो गया, और सर अमीन के नाम से एक वेरिएबल बन गया जिसके अंदर जो नेम के थ्रू हमें मिलेगा। तो हमने हेलो नेम करा तो हमें सर अमीन खुद ब खुद मिल गया और नीचे आ रहा। अब हम इस ग्रीड के वेरिएबल को मल्टीपल टाइम चलाएं और हर बार अलग नाम दें, तो देखें हमारा एक ऐसा फंक्शन बन गया है जो हर बार जो नाम इसमें पुकारेंगे उसको ग्रीड कर देगा। ये देखें इसको हम बोलते हैं डायनेमिक, कि हमारी जो वैल्यू है वो डायनेमिक है, जो भी हम वैल्यू पास करते हैं उसको वो शो करा देता है। तो यहाँ पर होपफुली इस तरह भी कह सकते हैं जैसे जुनैद भाई ने कराया, वैल्यू एक अलग वेरिएबल में सेव कराया, बस वेरिएबल को प्रिंट करा दिया, क्योंकि पाइथन में बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले का फंक्शन चल, इस तरह भी कर सकते हैं, सही है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो नेट भाई ने तीन चार तरीके से आपको चला के दिखा दिया, और वो तीनों चारों तरीके वैलिड हैं। होपफुली आप लोग तीन तीन कॉन्सेप्ट समझ में आ गएंगे, पहला हमारा कंट्रोल फ्लो, दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक, तीसरा रिटर्न, रिटर्न टर्मिनेशन स्टेट अपने पास रखता है, उसके बाद हमने पैरामीटर एंड आर्गुमेंट, ये चार पांच टॉपिक हमने पढ़ लिए। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं ये फंक्शन को हम और क्या कर सकते हैं इसके साथ। एक एडिशन का फंक्शन बनाते हैं जिसका काम ये होगा, दो इनपुट वो लेगा और दो इनपुट को ऐड कर देगा, प्लस कर देगा, एक्स ले लिया इंटीजर, वाई ले लिया इंटीजर, इसकी रिटर्न टाइप आ गई इंटीजर, रिटर्न टाइप ऐसे लिखते हैं इसमें, तो लिखने का तरीका होता है एक्स प्लस वाई कर दिया। आप उस एड में जब भी आपको दो नंबर पास करेंगे तो आप में से जितने लोग समझदार हैं बिल्कुल इस बात को जानते होंगे, अगर हम ऐड को कॉल करें उसमें टू एंड कॉमा टू पास करें तो कितने लोग कहते हैं बिल्कुल ऐसे सही बात है, पांच आना चाहिए, चलाएं जुनैद भाई इसको, और नीचे टू कॉमा टू करें, इसको रन नहीं करें खाली टू कॉमा टू लिख दें, कितने लोग यहाँ पे एग्री करते हैं कि इसमें पांच आना चाहिए। चार क्यों आएगा, रीजन तो बताएं। ये तो इंटेलिजेंट क्लास है हमारी चला दे मतलब सबका दिमाग सही कर रहे, काम कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता लग गया ऐड को कॉल करते वक्त दो वेरिएबल, अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कौन सा एक्स में जा रहा है कौन सा वाई में जा रहा है, हमें क्या पता भाई, हमें क्या मालूम कौन सा एक्स है और कौन सा वाई है। तो उसको और आसान करते हैं कि ये पढ़ता है सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब पहले नंबर पे दो है, दूसरे नंबर पे दोबारा दो है, जो पहला वाला दो है वो पहले वाले पैरामीटर पे गया मतलब एक्स पे, दूसरा वाला दो दूसरे वाले पैरामीटर पे गया मतलब वाई पे, ठीक है, वो सीक्वेंस को रीड करता है। चलें ये तो ये भी कॉमन सेंस मान लेती चीजें, हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, हम बोलते हैं एक एप्लीकेशन बनाएंगे, उस एप्लीकेशन में ये होगा कि हम मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, तो शॉपिंग करते वक्त हमने चार चीजें खरीदी हैं, पांच चीजें खरीदी, छह चीजें खरीदी, सात आठ दस जितनी भी चीजें खरीदी, हम उसका टोटल निकालेंगे कि हमने कितना टोटल सामान खरीदा है टोटल। तो एक और फंक्शन बनाए, उस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर ले लें और उस पैरामीटर का
करवा ले, घर वाले। हाँ बिल्कुल। अच्छा इसमें फॉर लूप आ गया, काम तो अच्छा हुआ हुआ है। फॉर लूप पढ़ा है नंद भाई हमने आपकी इस क्लास में, फॉर जी फॉलो होना कर लिया वो कवर। लूप कर लिया। अच्छा जिस तरह हमने इफ एल्स पढ़ा था ना, इफ एल्स में हमने क्या चीज सीखी थी, कंट्रोल फ्लो। तो फॉर लूप भी कंट्रोल फ्लो है। वो कैसे कंट्रोल फ्लो है कि फॉर लूप अपने ब्लॉक को एक से ज्यादा बार चला सकता है, खुद ब खुद, खुद ही से चला सकता है, रिकर्सिंग बार बार। तो जो फ्लो का कंट्रोल हमने क्या करा, इस फ्लो को इतनी बार रन करो। तो फंक्शन के अंदर कंट्रोल कॉलर के पास होता है, जब तक कॉलर फंक्शन को कॉल नहीं करेगा फंक्शन रन नहीं होगा। तो कंट्रोल किसके पास होता है, जिसको कॉल करेगा। लेकिन कंट्रोल फ्लो में क्या होता है कि हम फ्लो का कंट्रोल किसी स्टेटमेंट के हाथ में दे देते हैं, मतलब फोर के हाथ में दे दिया कि इसको इतनी बार रन करो। तो हमने यहाँ पे क्या करा, अच्छा क्योंकि आप नम्स उसमें ले रहे हैं ना, स्प्रेड ऑपरेटर ले रहे हैं, तो एरे पास करेंगे ना। अच्छा नहीं, ये बेसिकली होता है हम यहाँ पे ना जितने मर्जी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, यानी कि उन सबको अनपैक कर देगा। अच्छा हाँ वो खुद ही लिस्ट में आ जाएगा, सॉरी। तो हमने कहा हमने मार्केट से चार चीजें खरीदी हैं भाई। पहली चीज 3 रुपये की, $3 कर देना, तो गरीब लगेंगे मतलब। पहली चीज $3 की खरीदी, दूसरी $4 की, तीसरी $5 की। भाई टोटल मेरा बिल कितना बना, हमने कहा तो बिल कितना बनना चाहिए भाई, यहाँ तो 12 बनना चाहिए बिल, 12 बना। अब ये 12 इतना मुश्किल क्यों लग रहा है कोड, अगर हम बोर्ड से देखें तो कॉल करते वक्त हमें पता था जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारी कोई लिमिट नहीं होती, एक चीज लें, दो लें, तीन लें, चार लें, पांच लें, हो सकता है मैं शॉपिंग करने घर से निकलूँ एक चीज खरीदने। आप लोग, आपके साथ होता होगा बाय करने का, एक चीज खरीद के 10 चीज आए। तो अगर यहाँ पे हम वेरिएबल वो पैरामीटर बना दें तो ये नाइंसाफी हो जाती, तो पैरामीटर तो एक टाइम पे एक ही वैल्यू लेगा। तो हमने कहा यहाँ पर हम एक स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करेंगे, रेस्ट पैरामीटर का यूज करेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर माइंड मार, रेस्ट पैरामीटर का यूज करेंगे। रेस्ट पैरामीटर का मतलब क्या है कि जितने भी ऑर्गमिक टाइम उन सबको एक लिस्ट में रख दो, समझ रहे हैं? जैसे कि यहाँ पर जुनैद भाई ने दिखा दिया डी टपल आ रहा है सब, इसको इन सबको एक मतलब उसको हम वैसे क्या बोलेंगे, टपल बोलेंगे ना, क्योंकि अच्छे ये हमारे पास होते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट्स पोजिशन वेरिएबल। और, हाँ ठीक है, तो हम इसको पोजिशन आर्गुमेंट कह सकते हैं। हमने पोजिशन आर्गुमेंट पास कर दी, जितने भी आर्गुमेंट आए उन सबकी पोजीशन बना दो, 0, 1, 2, 3, 4, और एक ये तरह से जैसा लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है इसी तरीके से पोजीशनल आर्गुमेंट्स में आप रख दो। तो इससे हमारा फायदा क्या होगा कि हमने शॉपिंग करी एक दो या तीन या चार, वो सब नम्स में हमें मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कोई अलग से वेरिएबल बनाने की जरूरत थी, दूसरा वेरिएबल बनाने की जरूरत थी, हमने एक नम्स बना दिया। हमने कहा जितनी शॉपिंग करें वो सब नम्स में लेगी, और जब हमने नम्स को प्रिंट करा तो हमारा पोजीशन आर्गुमेंट वो एक लिस्ट की तरह शो हो गया कि 3, 4, 5 जितने इतने सब आ गए। फिर हमने कहा ये तो एक प्रॉब्लम हो गई, ये तो लिस्ट आ रही है, ये तो पूरी पूरी की लिस्ट आ रही है, अब इस लिस्ट में तो एक से ज्यादा डेटा है, अब हम इसको प्लस कैसे कराएं। प्लस कराते हुए एक सम का फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, आई थिंक सम का फंक्शन चलता है फॉर लूप की जगह, खाली सम लिखें और उसको देखें एक बार, वो चलता है। हाँ चल रहा, आसान कर लेते हैं हम इसको। हमने क्या करा, टोटल को भी हटा दें, हाँ बोरिंग प्रिंट को भी, अच्छा ये प्रिंट लिखा हुआ अच्छा है वो, इसलिए हमें बता रहा है इसमें रखा हुआ क्या है, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन में हमें बता था एक एक से ज्यादा ऑर्गो बना सकते हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं भाई कोई लिमिट थोड़ी है, तो लिमिट करते वक्त हमने यहाँ पर रेस्ट पैरामीटर बनाया, मतलब पोजिशनल आर्गुमेंट बनाया, वेरिएबल का नाम जो है पोजिशनल आर्गुमेंट है, तो नम्स जो है उसके साथ स्टेरी लगा दिया, मतलब इस नम्स के अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज आ सकती हैं, तो उन सबको पोजिशनल आर्गुमेंट में रखेगा। फिर जो भी इसमें एक से ज्यादा वैल्यूज आएंगे, हमें पता है इंटीजर आ रहा है शॉपिंग कर रहे हैं सब इंटीजर में आएगा, फिर उसका आउटपुट इंटीजर बना लिया। फिर हमने नम्स को जैसे प्रिंट करा तो हमें पता लगा कि भाई वो एक से ज्यादा वैल्यू है, 3, 4, 5। फिर एक प्री डिफाइंड फंक्शन जो अभी सरकार ने बात कही थी, पहले से बना हुआ फंक्शन जैसे प्रिंट होता है इसी तरह सम भी है, हमने सम को यूज करा और सम को वो नम्स दे दिया, हमने कहा जो भी है वो प्लस करके हमें बता दो, टोटल बता दो कितना आ रहा, वो जो टोटल है वो टर्मिनेशन को दे दो, मतलब रिटर्न को दे दो। और नीचे जब हमने फंक्शन को कॉल करा, कॉल करते हमने बताया हमने $3 की एक चीज खरीदी, $4 की एक चीज खरीदी, $5 की एक चीज खरीदी,
जितनी भी चीज़ें हमने खरीदी, अब उसका हमें टोटल बता दो। तो इतना सारी चीज़ें ऐड करी और हमें टोटल बता दिया। जब हमें टोटल पता लगा तो 12 आ गया। अब हम इसको एक और फंक्शन ऐड करते हैं, उसमें हम बोलते हैं डिस्काउंट भी अप्लाई करो। डिस्काउंट भी तो लिया हमने प्रोडक्ट पे, अप्लाइड डिस्काउंट, और डिस्काउंट का वेरिएबल बाहर बना लो। सपोज करो डिस्काउंट चल रहा है $100 का डिस्काउंट चल रहा है, नहीं $100 तो नहीं है यहाँ पे, $1 का डिस्काउंट कर देते हैं। और इसको कॉल करते हैं वो प्राइस, सही है ये भी सही है। वैसे वो सही था, आपका वाला ज्यादा सही था, वो लॉजिकल था। अब जुनैद भाई बताइए क्या डिस्काउंट मिल रहा है। जी अच्छा, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हमने फंक्शन बनाया अप्लाई डिस्काउंट, वो हमारे से लेगा भी आपका टोटल बिल कितना बना था और आपको कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, और उसको अप्लाई करके जो फाइनल प्राइस होगी ना हमारी आफ्टर डिस्काउंट, उसको वो कर देगा रिटर्न। यानी कि अगर हम इसको पास करते हैं यानी कि टोटल प्राइस हमारे पास यहाँ पे थी 12, या हम इसको और इलस्ट्रेट कर लेते हैं। हमने फोर्थ फ्लोर शॉपिंग करने गए, हमने तीन आइटम्स ली, किसी की प्राइस 3000 थी, किसी की 4300 थी और किसी की 5900 थी। ये बन गया हमारे पास टोटल बिल। अब टोटल बिल बना, हमारे पास कोई वाउचर था, हमने डिस्काउंट अप्लाई किया और हमें कुछ डिस्काउंट मिल रहा था, तो एक सेकेंड फंक्शन था हमारे पास अप्लाई डिस्काउंट। अभी हमने यहाँ पे आके पास की टोटल प्राइस और साथ ही हमने बता दिया कि कितने परसेंट हमें डिस्काउंट मिल रहा होगा। हमें डिस्काउंटेड प्राइस मिल गई यहाँ पे, जो थी 11180। अब एक काम हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन है, हम जा रहे हैं यार एक थर्ड फंक्शन हो या फिर सेकंड फंक्शन के हम आर्गुमेंट के अंदर ही फर्स्ट वन का जो रिस्पॉन्स है उसको पास कर दें। यानी कि जब मैं अपने पास जाऊँ तो मैं खाली उसको जाके बोलूँ कि मेरा टोटल बिल इतना बना है और तुम मुझे डिस्काउंट अप्लाई करके बता दो कि मेरे पास फाइनल कितनी अमाउंट है जो मुझे करनी है पे। यानी कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास डिस्काउंट है ना, वो बाई डिफॉल्ट होता है 10%। तो अब ये ऑप्शनल वैल्यू है, यानी कि पहले तो हमारे पास प्राइस को भी हमें पास करना था यहाँ पे और साथ ही हमें यहाँ पे पास करना था डिस्काउंट को भी। यानी कि अगर 1 मिनट के लिए हम इसको रिमूव कर दें, हम इसको रन करते हैं और वापस आके हम इसको रन करते हैं, तो अब अगर मैं यहाँ पे एक आर्गूमेंट को मिस कर देता हूँ तो साथ ही वो ले आता है हमारे पास एरर, क्योंकि अभी मेरे पास जो दोनों आर्गूमेंट्स हैं वो थे यहाँ पे रिक्वायर्ड। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट वन है ना इसको तो रिक्वायर्ड रखते हैं, बट जो डिस्काउंट है ना ये हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट कोई पॉलिसी है कंपनी की या हमारे पास शॉपिंग मॉल की, और वो हमें 10% डिस्काउंट देती है बाय डिफॉल्ट। तो हमने जहाँ पे इसको स्पेसिफाई किया अपने पैरामीटर को, साथ ही हमने उसको बता दिया कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास क्या है। अगर मैं अभी आके इसको कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं खाली वैल्यू पास करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये 10% डिस्काउंट अप्लाई कर रही है और हमें रिमेनिंग वैल्यू वापस दे देती है। अच्छा, अगर हम कह देते हैं यार डिस्काउंट भी 100% ही था किसी वजह से, तो हमारे पास जो वैल्यू थी वो तो होगी 0-0। अब हम ये सोच रहे हैं कि यार इसको थोड़ा और रियलिस्टिक बनाते हैं। तो हमारे पास ये फंक्शन था फर्स्ट वन, इसका काम था टोटल वैल्यू, इसको ऐड करो कि आपका टोटल वैल्यू कितनी बनी है। और जो सेकेंड फंक्शन है, इसका काम ये है कि हमें देता है डिस्काउंट कि आपको जो टोटल बिल बना था उसके ऊपर डिस्काउंट कितना हुआ। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक ही रन के अंदर ऐसा करते हैं कि टोटल भी हो जाए और साथ में हमें डिस्काउंट भी मिल जाए। तो मैं चाह रहा हूँ टोटल डिस्काउंटेड प्राइस कितनी है मेरे पास। अच्छा यार, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें एक बात तो पता है यार, जो ऐड वाला है हमें क्या करता है, ये हमें जो भी हमारे पास फाइनल रिजल्ट है उसको लाके रिटर्न कर देता है। यानी कि जो भी वैल्यूज पास की उसका हमें आ गया रिटर्न, जो कि यहाँ पे था 13,200। और जो सेकंड फंक्शन है हमारे पास, ये हमारे से टोटल वैल्यू लेता है और टोटल वैल्यू लेने के बाद उसके ऊपर कोई ना कोई डिस्काउंट अप्लाई कर देता है। तो यानी कि हम इस फंक्शन को इसके अंदर भी कॉल कर सकते थे या फिर हम इसको यहाँ पे भी पास कर सकते हैं। एक काम करें ना, जो आपने ऐड ऑन कॉल करा है ना, उसको एक वेरिएबल में उसका आउटपुट लें और फिर उसके यहाँ पे पास कर दें। दोनों तरीके एडजस्टेबल हैं।
आउटपुट टोटल प्राइस में से फिर आया, टोटल प्राइस में आ रहा है। वैसे जुनैद भाई ऐसा हो सकता है कि हाँ इसको ले जाए, डिस्काउंटेड भी आ जाएगा ना। ये भी हो गया जबरदस्त। अब एक सवाल हम पूछते हैं, अभी हमने दो चीजें पढ़ी थी, कंट्रोल फ्लो एंड बिल्डिंग ब्लॉक। कंट्रोल फ्लो मतलब हमने फ्लो कंट्रोल करा, बिल्डिंग ब्लॉक मतलब हमने एक कोड को बिल्डिंग ब्लॉक बना लिया, उसको मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हैं, जब कॉल करेंगे जब वो चलेगा। अभी जो हमने फंक्शन बनाया मतलब बिल्डिंग ब्लॉक बनाया, क्या इस फंक्शन के अंदर, फंक्शन के स्कोप के अंदर हम कंट्रोल फ्लो को भी ला सकते हैं, मतलब फॉर लूप हो गया, इफ एल्स हो गया, तो क्या डिस्काउंट करते हो? हम ऐसा सोचें कि अगर आपका जो पैसे हो रहे हैं टोटल बन रहे हैं, अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो डिस्काउंट आपका लगेगा भाई, फिर तो वैल्यू ज्यादा बन रही है, तो 10%। और अगर 50,000 से कम है तो फिर डिस्काउंट लगना चाहिए मतलब 5%। ऐसा कुछ हम अपना बना लें कि भाई इतनी शॉपिंग पे इतना डिस्काउंट। अब हम बिल्कुल। क्या करते हैं, हम स्टूडेंट से ये काम करवाते हैं, यानी कि हम यहाँ पे डिस्काउंट पे डिफरेंट ब्रैकेट्स डिफाइन कर लेते हैं। अगर हमारे पास वैल्यू 10,000 या उससे कम है तो डिस्काउंट मिल रहा है 10%। मतलब अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो हो फिफ्टी शॉपिंग थाउजेंड वाली जी, बिल्कुल 50,000 या उससे कम है तो उस केस में हमें डिस्काउंट मिल रहा होगा 50%, या हम कर लेते हैं 30%। और अगर आपकी वैल्यू 100K या उससे ज़्यादा है तो आपको वही डिस्काउंट मिल जाएगा 50%। ठीक है मीन भाई, जबरदस्त हो गया भाई। अब हम ले आते हैं अपने पास वापिस फंक्शन जो कि था डिस्काउंट वाले। अब हमें ये सोचना है कि हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हमें एक चीज़ याद आ रही है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कंट्रोल फ्लो में इफ स्टेटमेंट को पढ़ा था, तो अब हम ये सोच रहे हैं कि इफ स्टेटमेंट को हमें यूज़ करना है, कुछ हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है इनको यूज़ करना है और इस फंक्शन को अपडेट करना है यार, कि जो डिस्काउंट मिल रहा है ना वो मुझे कुछ इस तरह से मिले कि जैसे ब्रैकेट है मेरे पास, यानी कि मैंने शॉपिंग अगर 10,000 या उससे कम की थी तो 10% तो लाजमी मिलेगा। अगर मैंने 50,000 या उससे ज़्यादा की थी तो मुझे 30% मिलेगा, और अगर मैंने उससे भी ज़्यादा शॉपिंग की तो मुझे 50% मिल रहा हो। अभी मैं खाली ये सोच रहा हूँ जो फर्स्ट जो काम है नहीं मैं कैसे करूँ, कि अगर 10,000 से कम शॉपिंग है तो डिस्काउंट कर दो अप्लाई, और बाकी केसेस में कुछ भी ना करो। अच्छा, यहाँ पे हमें पूरम और शाहनवाज कह रहे हैं कि हम इस स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं और वहां पे हम कंडीशन लिख लेते हैं टोटल ग्रेटर देन 100,000। अच्छा, ऊपर करें 10,000, यानी कि अभी हम खाली करें ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम सोचते हैं वो बनेगा कैसे, हम तो छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि उसको बनाना कैसे है। अब ये आप लोगों ने बनाना है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे नीचे आगे। अच्छा जुनैद भाई ने जो अभी ये स्ट्रिंग बनाया ना ऊपर, इफ डॉक डिस्काउंट, ये डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग जुनैद भाई यही बोलते हैं ना इसको, बिल्कुल डॉक स्ट्रिंग डॉक स्ट्रिंग है ये होता है क्या, इस फंक्शन की डेफिनेशन हमने लिख दी। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगी किस काम की है, जब हम आगे जाके इसको यूज करेंगे दूसरी जगहों पे तो आपको समझ में आ जाएगा। फंक्शन की डेफिनेशन भी लिखी जा सकती है इस तरीके से, कि फंक्शन करता है क्या है भाई, ये इसकी डिस्क्रिप्शन बोलते हैं आसान अल्फाज में। बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ इनपुट आ भी गए शाहनवाज और आकिब की तरफ से। बिल्कुल, एक ऑप्शन तो ये हो सकती है कि हम यहाँ पे चेक करते हैं सबसे पहले कि हमारी जो प्राइस है वो किस ब्रैकेट में फॉल कर रही है। अगर हमारी प्राइस लेस देन और इक्वल टू, सबसे पहले हमने बोला भाई 10,000, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो डिस्काउंट हम यहाँ पे कोई अप्लाई करके साथ ही रिटर्न भी करवा सकते हैं। अब हम सोचें यार, पहले तो हम ये सोचते हैं ना हमें करना क्या होगा। एक तो हमने यहाँ पे बना लिया अपने पास, क्या सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारे डिस्काउंट की वैल्यू क्या है। और उस पर डिस्काउंट अप्लाई कैसे करते हैं तो हमने यहाँ पे किया हुआ है, ये तो हम इसी को यूज कर लेंगे। तो हमें खाली सबसे पहले तो ये काम करना है कि जो डिस्काउंट है हमें ढूंढना है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, और एनी मोर हम इसको ऊपर से लेंगे भी नहीं, यानी कि हमारे पास अपने ही कोई वेरिएबल होगा जिसमें हम ये प्राइस स्टोर कर रहे होंगे।
तो यानी कि हमने आके बोला अभी तक हमारे पास कोई डिस्काउंट का वेरिएबल है और बाय डिफॉल्ट की शायद होता है हमारे पास जीरो। अब हमें ये देखना है कि डिस्काउंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी और उसके लिए हमें यूज़ करना था इफ स्टेटमेंट को। तो हमने कहा हम ऐसा करते हैं अपने पास आके कंडीशन चेक करते हैं, अगर जो हमारी टोटल प्राइस है वो 10,000 से कम है तो डिस्काउंट की वैल्यू कर दो 10। यानी कि आगे हमारी पहली कंडीशन कि 10,000 या उससे कम होने की सूरत में डिस्काउंट अप्लाई होगा 10%। अब सेकंड हमारी यहाँ पे कंडीशन थी कि अगर 30% या उससे कम है तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 50% डिस्काउंट या 50,000 से कम पे। अच्छा, अब यहाँ पे एल्स आएगा या फिर एलिफ आएगा, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। तो आपको क्या ख्याल है यहाँ पे क्या लिखें, एल्स लिख लें एलिफ लिख लें? अच्छा, प्राइस हम क्या करें, इक्वल टू लिख लें या कोई और यहाँ पे ऑपरेटर आएगा? अब अगला क्वेश्चन तो एक ऑपरेटर आगे कौन सा यूज करें प्राइस के बाद, कंडीशन हमारे पास यहाँ पे ही है। बिल्कुल, हमने कहा था लेस देन और इक्वल टू, तो हमने कहा अगर हमारा प्राइस ब्रैकेट 50,000 या उससे भी कम है तो डिस्काउंट कर दो 30। अच्छा, लास्ट में हम क्या यूज करें, एल्स आएगा या एलिफ आएगा, क्या यूज करना चाहिए? अच्छा, क्या हम एल्स यूज़ नहीं कर सकते अगर हम एल्स यूज़ कर लें? अच्छा, सब लोग अभी कह रहे हैं एल्स या एल्स कह रहे हैं तो हम यहाँ पे एल्स ही यूज़ करते हैं। और एल्स में हमने कह दिया कि बाकी सारी कंडीशंस के अंदर डिस्काउंट कर दो 50। अब क्योंकि हमारे पास डिस्काउंट आ गया तो हम ये भी चेक कर ले सकते हैं यहाँ पे, फाइनल एप्लीकेबल डिस्काउंट। और उसको हमने करवाते हैं यहाँ पे रिटर्न। अब फंक्शन तो आ गया हमारे पास और जो हमारा गोल था वो भी हमें लग रहा है हमने अचीव कर लिया, कुछ हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, इसको हम अभी कर देते हैं रिमूव। तो अभी के केस में हमने कहा ये खाली प्राइस लेगा और बेस्ड ऑन डिफरेंट वैल्यूज डिस्काउंट अप्लाई करेगा और फाइनल रिस्पॉन्स हमें करवा देगा रिटर्न। तो हम ऐसा करते हैं वापस इसको कॉल करते हैं और देखते हैं इस केस में अब क्या होगा। हमने कहा टोटल प्राइस हमारी कितनी है, हमने कुछ ऐड ऑन किया, प्राइस पास कर दी। अब क्या हुआ, हमने टोटल प्राइस को कॉल किया, ये हमारे पास आ गई, अभी हमने प्रिंट तो करवाया ही नहीं, खाली हमने वेरिएबल में स्टोर करवाया बस। सेकंड नंबर पे हमने अपना सेकंड फंक्शन कॉल किया जो था अप्लाई डिस्काउंट और इसमें हमने पास कर दिया टोटल प्राइस को, जो भी यहाँ पे टोटल आ रहा है उसको यहाँ पे कर दो पास, जो अभी हमारे केस में थी 13,200। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे गई तो साथ ही क्या हुआ होगा, हम ऐसे करते हैं साथ यहाँ पे प्रिंट ऐड करके देखते हैं कि क्या ये चलता भी है या नहीं चलता। हम कहते हैं अभी खाली ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है और ब्लॉक 3 है। और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं यार कि इनिशियली हमारा डिस्काउंट कितना था, ये भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। नहीं, अभी के केस में हमने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स ऐड किए हैं और देखते हैं अब क्या होता है। तो स्टार्ट में हमारा डिस्काउंट क्या था, बिल्कुल जीरो था, हमने प्राइस के यहाँ पे पास की, जो भी हमारा टोटल बिल बना था वो इस फंक्शन के पास चले गया। यानी हम शॉपिंग मॉल में गए, हमने शॉपिंग की, शॉपिंग करने के बाद हम काउंटर पे गए, वहाँ पे हमारा टोटल बिल बना जो था 13,200। साथ ही हमने शायद कोई कार्ड दिया, कोई वाउचर दिया, तो ये फंक्शन कॉल हुआ। इस फंक्शन के बाद इनिशियल डिस्काउंट कोई भी नहीं अप्लाई कर रहा था, इसने चेक किया यार हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो इसने आगे देखा यार जो ब्लॉक 2 में डिस्काउंट था ना वो हमें यहाँ पे मिल रहा है, और ब्लॉक 2 में कितना था, लेस देन 50,000 और ग्रेटर देन 10,000 जो कि था 30%। उसने डिस्काउंट अप्लाई किया और फाइनल हमारे पास आ गया 9,240। अच्छा यार, अगर हम यहाँ पे ऐसा करते हैं इसको हम कर लेते हैं 300,000, तो हमारा डिस्काउंट भी 50% हो गया। और अगर हम कर लें खाली इसको, या हम इसको रिमूव ही कर देते हैं, हम कहते हैं खाली 300 और 5,900, तो अब हमारा यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई हो रहा था जो था खाली 10%। जी मीन भाई, जबरदस्त काम हो गया हमने। अच्छा एक काम करते हैं, टैक्स भी तो देना है ना, हम एक ऑबिडियंट सिटीजन है, टैक्स का भी एक फंक्शन बना दें कि जो भी आपने शॉपिंग करी है इस पर टैक्स कितना बना, ताकि टोटल प्राइस आ जाए ना। क्योंकि आप लोगों को पता होगा अगर मैं मार्केट में जाकर 1,000 रुपए की शॉपिंग करता हूँ तो बिल तो 1,000 का नहीं देता, बिल तो ज्यादा का देता हूँ, क्योंकि वो टैक्स भी लगाता है।
तो 17% जीएसटी लगा दें और डिस्काउंट जो मिला था यहाँ बराबर हो जाएगा आपका। तो फाइनली मैं याद है यार, जब भी हम बिल देखते हैं तो बिल में पहले तो बहुत कम होता है, लेकिन साथ ही हम नीचे देखते हैं छोटा सा लिखा होता है जीएसटी या टैक्स, और बिल वापस उतना इक्वल हो जाता है जितना हमें डिस्काउंट मिल रहा था किसी भी अच्छी ऑफर के अंदर। तो वही काम हमारा ये वाला फंक्शन यहाँ पे कह रहा है, वो हमारे पास लेगा हमारी प्राइस जो हो, या हम इसको कहते हैं सब टोटल लेगा, थोड़ा सा नाम भी चेंज कर लेते हैं। हमने कहा हमारे पास सब टोटल लेगा सारे डिस्काउंट और चीज़ें अप्लाई करने के बाद, और उस पर जीएसटी लगा के जो भी फाइनल वैल्यू होगी उसको कर देगा रिटर्न। ग्रॉस टोटल करते हैं इसको। ठीक या फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं ग्रॉस टोटल। यानी कि अगर अभी हम इस फंक्शन को कॉल करें और यहाँ पे हम पास कर लेते हैं 13,200, तो इसने हमें रिमेनिंग वैल्यू पास कर दी जो कि थी 15,044। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से फंक्शन आ गए। हमने कहा हमने एक फंक्शन बनाया जो हमें बताता है टोटल शॉपिंग की प्राइस कितनी है, फिर हमने एक और फंक्शन बनाया और उसका काम है कि डिस्काउंट अप्लाई करते हैं, और बेस्ड ऑन हमारी प्राइस का टोटल कितना था। और थर्ड हमने फंक्शन बनाया जो हमारे पास अप्लाई करे जीएसटी। यानी कि अभी मैं किसी शॉपिंग मॉल में गया और उनको मैंने कहा यार ये आप सॉफ्टवेयर अप्लाई करो, तो सबसे पहले क्या कॉल करेगा वो। यानी कि अब हम तीनों फंक्शन को करने वाले हैं एक साथ यूज़। पहले तो मलयदा से करके देखते हैं, यानी कि हमने क्या टोटल प्राइस हमारे पास कितनी आई, उसके लिए हमने कॉल किया फर्स्ट फंक्शन को जो था एडोल, और फिर हमने कुछ डेटा पास कर दिया और साथ ही हमने बता दिया हमारी टोटल प्राइस कितनी थी। फिर हमने कहा हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस कितनी आ रही है, या हमने इसको बोला था ग्रॉस टोटल। हमने बोला है अप्लाई डिस्काउंट वाले फंक्शन को कॉल करो, इसके ऊपर डिस्काउंट अप्लाई करो, और जो भी वैल्यू आएगी इसको हमने यहाँ पे करवा लिया सेव। फाइनली हमने कहा यार हम एक अच्छे सिटीजन है, हम टैक्स भी पे करते हैं, तो हमने कहा हम टैक्स भी पे करेंगे और फिर हम देखेंगे हमारा नेट टोटल बिल कितना बन रहा है। अच्छा हम इसको कॉल करते हैं, तो हमने देखा फाइनल हमारा बिल कितना बना 10,810, और इनिशियली हमारा बिल कितना था 13,200। अच्छा अगर हम यहाँ पे जबरदस्त खाली एक जीरो और लगा दें फिर क्या होगा, तो देख लें हमारे पे डिस्काउंट तो आ रहे हैं, बट डिस्काउंट के साथ आपको साथ में टैक्स भी देना पड़ रहा है, तो इनमें आपकी प्राइस इंक्रीज भी हो जाती है। जुनैद भाई, इसको चेकआउट का फंक्शन बनाया उसमें रैप कर दें टोटल को, मतलब टोटल जो आपने बनाया ना ये तीन, इन तीनों को चेकआउट के फंक्शन में रैप कर दें। तो हम ऐसा करते हैं एक फंक्शन और बनाते हैं, ये फंक्शन होगा हमारे चेकआउट का। ये सारे के सारे जो फंक्शन है उनको अपने पास कॉल करेगा और हमें रिटर्न करेगा फाइनल प्राइस। पहले चेकआउट इसका नाम चेकआउट रखते में हैं। चेकआउट चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास इनपुट क्या लेगा जो आपने बताना है कमेंट के अंदर। चेकआउट करते हुए क्या इनपुट जाएगा? लोगों ने कहा प्राइस जाएंगे। बट प्राइस तो कॉल करेगा क्योंकि यहाँ पे तो हमने तीनों काम किए हैं, एड ऑल भी हम यहाँ पे कॉल करें, यानी कि टोटल प्राइस भी ये कैलकुलेट करेगा, टोटल प्राइस के बाद ग्रोस को भी कैलकुलेट करेगा, और ग्रोस के बाद ये नेट को भी कैलकुलेट करेगा, और नेट में जो भी हमारे पास आएगा उसको करवा देगा ये रिटर्न। यानी कि तीनों काम ही हमारे पास करने वाले हैं। अब हम अगर यहाँ पे वापस अपने फंक्शंस को आके देखते हैं, हम अपने इस पूरे फंक्शन को देखते हैं काम क्या कह रहे हैं। या जो अप्लाई डिस्काउंट को वैल्यू थी वो उसको मिल रही थी एड ऑल से, जो कैलकुलेट टैक्स को वैल्यू थी वो मिल रही थी ग्रॉस टोटल से, बट जो एड ऑल को वैल्यू मिल रही है वो हमारे पास कहाँ से आएगी। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो उस पॉइंट पे हमें वो वाली वैल्यू खाली करनी होगी पास। यानी कि जब हम फाइनल मशीन के ऊपर जाते हैं तो वो मशीन तो सारा काम खुद से करती है, टोटल प्राइस भी कैलकुलेट करेगी, ग्रॉस टोटल भी देखेगी, और नेट टोटल भी वही कैलकुलेट करेगी।
यानी कि यहाँ पे हमें पास करना होगा, पहले हम इसको कह देते हैं प्राइजेस, या हम कह देते हैं प्रोडक्ट प्राइजेस। और रिटर्न हमें क्या कह रहा है कि इंटीजर कर दे भाई हमें रिटर्न। तो हम आते हैं चेकआउट को कॉल करते हैं और उसमें हम पास कर देते हैं अभी खाली चेक करने के लिए 10,000 और 400, देखते हैं क्या होता है। कौन सी टाइप बन रही है? उसकी टपल बन रही है ना? ऊपर आपने इंटीजर दे दी पर चल गई थी, लेकिन टपल लिख के देखें। अच्छा नहीं, इसके ना कॉन्सेप्ट को समझे, दोबारा कोड पे आए, जरा कोड दिखाएं क्या टाइप बनाई है। ओके, जब भी आप अनलिमिटेड पोजिशनल आर्गुमेंट देना चाहते हैं तो आप पैरामीटर बनाते वक्त उससे पहले स्टेरिक लगा देते हैं। तो आपने ये जो नम्स के नाम का एक वेरिएबल बनाया है, इस वेरिएबल के अंदर कॉमा सेपरेटेड फर्स्ट पोजीशन पे जितने आर्गुमेंट दिए जाएंगे वो एज अ टपल जाएंगे। अच्छा, डेटा टाइप इसकी इंटीजर है, हर एक एलिमेंट जो आप पास करेंगे वो इंटीजर होगा और वो इंटीजर की सूरत में खुद ब खुद नम्स के नाम का एक टपल बना लेगा। तो आपकी ये वैल्यू जो होगी इंटीजर टाइप पे जा रही है, लेकिन अनलिमिटेड पैरामीटर्स हैं पोजिशनल, कोई लिमिट नहीं, आप उसमें एक वैल्यू डालें, दो डालें या मिलियंस डालें, तो वो जितनी आपकी हार्डवेयर मेमोरी उतनी सपोर्ट करेगी। तो अनलिमिटेड पैरामीटर्स आप इसमें पास कर सकते हैं। जी टपल कर देना पेंट जब ऊपर नहीं, अब इसमें क्या प्रॉब्लम इससे आएगी? ऊपर दो वो यूज हो रहा था, कौन सा अप्लायर नहीं एड ऑल वाला, एड ऑल वाला फंक्शन है ना, इस पे टपल कर दो। नहीं, मुझे दिखाएं, टपल नहीं होगा। ये रिटर्न आपको इंटीजर ही करेगा, सही है, ये आपको इंटीजर करेगा। आपने प्रिंट जो करवाया वो टपल करवाया हुआ है, लेकिन इंटीजर रिटर्न होगा, सम आपको इंटीजर देगा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? जी, प्रॉब्लम क्या है? चेकआउट। अच्छा, अनसपोर्ट ऑपरेंड प्लस, और यहाँ पे आपने क्या है, इंटीजर और फोर के दरमियान आपने कुछ करवाया, लाइन नंबर दिस। तो यहाँ पे अच्छा, वो फंक्शन में ना इसी में उठा के लाए, हम डायरेक्टली एक साथ उसको देखते हैं हो क्या रहा है। ये फंक्शन है, उसी फंक्शन में कॉल कर रहे हैं जहां पे है। ये देखें, दो दफा डी एफ दो दफा है, तो एक को मिटा देते हैं, ठीक है, यहीं पे कॉल करें। अच्छा, अब इसको देखें। ओके, परफेक्ट। जी, तो यानी कि अभी हमने क्या किया, यहाँ पर चेकआउट का फंक्शन है वो हमने बनाया था, ये क्या लेता है हमारे पास अनलिमिटेड जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं उन सबकी हमारे पास ले रहा है प्राइस, उन सबकी अच्छा प्राइस कहाँ से आ रही अच्छा है। जुनैद, एक मिनट, वो जो प्रॉब्लम आ रही थी उस कोड को दोबारा करो, उसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि आप डायरेक्टली टपल पास कर रहे थे, जब भी टपल में से इंडिविजुअल आपको वैल्यू पास करनी हो ना। जी, इसको कंट्रोल जी करते जाएं। ओके, अब यहाँ पे नम्स से पहले ना, जी नम्स से पहले कॉलिंग करते वक्त फंक्शन जो कॉल किया आपने लाइन नंबर टू टोटल प्राइस के वेरिएबल में, एड ऑल के बाद राउंड ब्रैकेट के फौरन बाद स्टैटिक लगा दें। अच्छा, अब ये अनजिप करते हुए कॉमा सेपरेटेड पास कर रहा होगा, सिर्फ स्टैटिक नहीं, स्टैटिक वेरिएबल के नाम से पहले डायरेक्ट।
इसको मिटाएं, बस अब चलाएं जी, अब चल जानी चाहिए। जी ठीक है, परफेक्ट। जी तो यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक तो हमने अपने फंक्शंस को आगे यहाँ पे कंबाइन कर लिया, और एक चीज़ हमने यहाँ पे और देखी कि जब हम एडोल को यहाँ पे पास कर रहे थे हमारी इनपुट वैल्यू, तो साथ ही हमने यहाँ पे स्टैटिक लगा के कर दिया इसको पास। और अब इस केस के अंदर हमारे पास एक मेन फंक्शन है हमारा, उसका काम है चेकआउट करना। चेकआउट करते हुए हमने खाली वहाँ पे पास कर दी जितने भी हमने प्रोडक्ट्स बाय की हमारी ट्रॉली के अंदर थी, उन सब की हमने कर दी प्राइस इसको पास। इसने उन सब की प्राइस ली, प्राइस लेने के बाद सबसे पहले तो इसने कैलकुलेट की उसकी टोटल प्राइस। टोटल प्राइस कैलकुलेट करने के बाद इसने हमारा दूसरा फंक्शन कॉल किया जो था डिस्काउंट को अप्लाई करने के लिए। अब इस फंक्शन के अंदर हमने कंट्रोल फ्लो को भी यूज़ किया था, और वहाँ पे हमने ये देखा था कि कंट्रोल फ्लो अप्लाई करते हुए डिपेंडिंग ऑन के हमारा टोटल बिल कितना बना है उसके मुताबिक वो यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई कर रहा है। यानी कि अगर 10,000 से कम की शॉपिंग है तो डिफरेंट डिस्काउंट था, अगर 1 लाख से ज़्यादा की शॉपिंग है तो डिफरेंट डिस्काउंट था। ये आ गया हमारे पास हमारा ग्रॉस टोटल। फिर हमने ये देखा कि ग्रॉस टोटल को हमने पास कर दिया कैलकुलेट टैक्स के अंदर। इसने क्या किया, इसने चेक किया हम कहाँ पे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में GST कितना है, 17% है। इसने वो इस पर अप्लाई किया, और जो फाइनल हमारे पास प्राइस थी वहाँ यहाँ पे आ गई नेट टोटल के अंदर, उसको हमने करवा दिया यहाँ पे रिटर्न। यानी कि हम इसको कॉल करते हैं, और कॉल करते हुए हम खाली पास कर देते हैं 100, 104,000 और 400। तो हमारा यहाँ पे क्या बना, इनिशियल डिस्काउंट कितना था, कुछ भी नहीं था। फाइनल डिस्काउंट हमने अप्लाई किया 10%, और हमारे पास यहाँ पे आ गया 47,385। अच्छा, अगर हम इसको यहाँ पे कर देते हैं 100,000, तो टोटल डिस्काउंट हमने यहाँ पे अप्लाई किया 50%। उसके बाद हमने इसके ऊपर GST लगाया, और फाइनल वैल्यू आ गया हमारे पास 61,074 रुपीज़। जी मीन भाई, बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल हमने बना ली, और इसमें हमने सारे यूज केसेस कवर कर लिए। आपने फंक्शन में फंक्शन कॉल करना सीख लिया, आपने पोजिशनल आर्गुमेंट बनाना सीख लिया, पोजिशनल आर्गुमेंट को दूसरे पोजिशनल आर्गुमेंट बना के कैसे सेंड करना है, स्टैटिक लगा के भेजना होता है वो भेजना सीख लिया। तो टपल की डेटा टाइप का यूज केस भी आपने यहाँ पर देख लिया, तो ज़बरदस्त काम हो गया। 3 अलग अलग फंक्शन बनाया है अपनी मर्जी का, हमने फाइनेंस लगाया यहाँ पर, क्योंकि हम लोग फाइनेंस के कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं इसमें हम जो अप्लाई कर सकते हैं कि सपोज करें कोई रिक्वायरमेंट है कि अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट आप किस पे अप्लाई कर रहे हो, प्री टैक्स अप्लाई कर रहे हो, आफ्टर टैक्स अप्लाई कर रहे हो, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिस्काउंट की भी टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पर अभी हमने सिंपल तरीके से बनाया, और एक यूज केस आप लोगों ने देख लिया फंक्शन का यूज केस जो आपके सामने है। अब फ्यूचर में कोई और आता है, कोई और शॉपिंग करता है, जैसे अभी यानी 2-3 शॉपिंग करें, जैसे आपने भी ये करी है, कुछ छोटी शॉपिंग कर लें, कोई बड़ी शॉपिंग कर लें, चेकआउट को 4-5 बार कॉल कर लें, अलग अलग 2 बार कॉल कर लें, 3 बार कर लें उसे। अच्छा सर, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस में डिटेल में जाना है मज़ीद, या फिर हम इसको यहाँ पे रैप अप करके क्वेश्चन ले सकते हैं, या फिर एक और प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अच्छा, वैसे फंक्शन डिटेल की तरफ फंक्शन का बहुत बड़ा पार्ट देख चुके हैं आपने, डिफॉल्ट पैरामीटर पढ़ा दिया, पैरामीटर आर्गुमेंट आ गए, रिटर्न आ गया, और उसमें पोजिशनल आर्गुमेंट आ गए, कुछ नेस्टेड कॉलिंग हो गई। अब फंक्शन तो फिर और डिटेल में जाते जाएं तो बहुत सारी तरह के फंक्शन है, रिकर्सिंग फंक्शन बन सकता है, लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं है। हम सर कासिम से पूछते हैं कि नेक्स्ट क्या करें। अच्छा, इसके अंदर ना एक फंक्शन हम बनाते हैं जिसमें अभी हमने अनलिमिटेड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दिए हैं। एक फंक्शन ऐसा बनाते हैं जिसके अंदर रिक्वायर्ड पैरामीटर, ऑप्शनल पैरामीटर और अनलिमिटेड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हो। अच्छा, उसके अलावा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी आपके पोजिशनल हो सकते हैं। तो अगर इन सब की कम्बिनेशन के साथ हम एक फंक्शन बना लें तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, अब जैसे हम यहाँ पे रजिस्टर कंपनी हमने स्टार्ट की, हमने कहा कि रजिस्टर कंपनी में यूजर नेम और पासवर्ड देना जरूरी है। तो यूजर नेम STR, पासवर्ड STR। ओके, अब इस फंक्शन को ये जो रिटर्न करेगा, इसका रिटर्न अभी हम डिसाइड नहीं कर रहे, रिटर्न के ऊपर हम कर देते नन। तो कॉलन से पहले माइनस ग्रेटर देन नन, ये कुछ भी आपको रिटर्न नहीं करेगा। परफेक्ट। अच्छा, इस फंक्शन को अब देखें हम अगर चलाते हैं, चला के देखने की कोशिश करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं।
अच्छा, इसके अंदर कोई भी एक चीज, अब दोनों तरीके से इसको पहले हम कॉल करके देखते हैं। पहली जो कॉलिंग है ये आपने कीवर्ड आर्गुमेंट के साथ की है, यानी जो भी पैरामीटर है नेम कासिम में जाएगा, 123 पासवर्ड में जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, दूसरे वाले के अंदर आपने क्या किया, पोजिशनल आर्गुमेंट पास किया है। तो दोनों तरीके, सबसे पहले पोजिशनल ले लेते हैं, ठीक है। पोजिशनल का मतलब है जो पैरामीटर पहले लिखा है उसमें पहली वैल्यू जाएगी, जो दूसरा आपने लिखा उसमें दूसरी वैल्यू जाएगी। इसका मतलब है कासिम जो है नेम में जाएगा, 123 जो है पासवर्ड पे जाएगा, ये भी आपने सीखा। दूसरा वाला जो है, आप पोजिशनल यानी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के जरिए कोई अक्षर वैल्यू हमारे पास पहले आ रही होती, तो आपने ये फंक्शन इस तरह कॉल किया, इसी फंक्शन को दोबारा कीवर्ड के साथ कॉल करें, पासवर्ड की पहले और नेम की पहले और बाद में दें। तो पोजिशनल के अंदर पोजिशन मैटर करती है, कीवर्ड के अंदर पोजिशन मैटर नहीं करती। तो इसके अंदर आप क्या करें, पासवर्ड पहले लिए आए और नेम सेकंड पे ले आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब भी आपकी वैल्यू उसकी पोजिशन मैटर नहीं कर रही, 123 पहले आई है लेकिन वो पासवर्ड में जाएगा। कासिम जो है दूसरे नंबर पे आ रहा है लेकिन वो जो वैल्यू जाएगी वो आपकी नेम के अंदर ही जाएगी। तो इसको हम फर्दर ना एक्सटेंड करते हैं। अच्छा, उसी फंक्शन को दोबारा कॉपी करें और ये कॉलिंग के बाद दोबारा इस फंक्शन को दोबारा बनाते हैं ताकि ये एग्जाम्पल भी रहे और आगे एक्सटेंड होती जाए। 107 के बाद एक और सेल, बिल्कुल परफेक्ट। अब इसके अंदर एक अनलिमिटेड कीवर्ड आर्गुमेंट हम पास करते हैं। अनलिमिटेड कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब क्या है, हमने कहा लाइक नम्स यानी नंबर्स, आपकी शॉपिंग के जो भी नंबर्स हैं आप इसके अंदर पास कर देंगे। तो नम्स जी, ठीक है। अच्छा, ओके, अब इसका क्या पर्पस बनाना चाह रहे हैं आप जुनैद? अच्छा, हम कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, कंपनी में पहले तो आ गया यूजर नेम और पासवर्ड, साथ ही हमने अपने पास लिया है कि कंपनी में डायरेक्टर कौन कौन है, उन सब के नाम भी ले लेते हैं। ठीक है, तो नेम जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं दोबारा से, इसी सेल में कॉल कर लें, इसी सेल में, ताकि या नए सेल में, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा दोस्तों, अब इसके अंदर अनलिमिटेड आप डायरेक्टर्स के नाम बता सकते हैं। देखिए, यूजर नेम पासवर्ड जरूरी है, तो यूजर नेम पासवर्ड हमने PIAC और पासवर्ड भी PIAC रख लिया, लेकिन डायरेक्टर्स जो हैं उसके अंदर हम नाम ऐड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे सरजिया का नाम डाल देते हैं। ठीक है, मल्टीपल नेम डाल दिया आप। ठीक है, इनफ है आई थिंक। अच्छा, उसको आपने प्रिंट नहीं करवाया हुआ, तो आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, डायरेक्टर्स को आपने प्रिंट करवाते हैं जी। अच्छा, अब इस फंक्शन के अंदर हमने देखा कि यार नेम और पासवर्ड ये तो देना लाजमी है, लेकिन आपने जो डायरेक्टर्स की वैल्यू डाली हुई है वो अनलिमिटेड आप जितने डालना चाहें वो डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा एक और हम एग्जाम्पल बनाते हैं, अनलिमिटेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि आप जो की वैल्यू आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो कोई भी हो तो वो पास कर सके। तो आप इसके बाद क्या करें जी, इसी के बाद लास्ट में कॉमा डाल के, क्योंकि हम उसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं, डबल स्टेरिक के साथ, डबल स्टेरिक, और उसके साथ कोई वेरिएबल बना दें जिसके अंदर हम क्या कह सकते हैं, जिसके अंदर दो चीजें कीवर्ड आ जाएं, ऑफिस आ गए, ठीक है, तो कराची के हमारे ऑफिस आ जाएं या जो भी आ जाए, ठीक है। तो इसकी टाइप जो होगी वो आपके पास बाय डिफॉल्ट जो होती है वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, तो इसका मतलब है वो डिक्शनरी भी हो सकती है। लेट्स सी, अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं। अच्छा, तो अब ये सेकेंड वाले में हम क्या करेंगे, डिक्शनरी हटा दें, अभी इसकी उठा रहे, ठीक है, परफेक्ट है। तो अनलिमिटेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हम इसके अंदर दे सकते हैं, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि आप इन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के बाद आप कोई भी अपने पास से की बनाए, जैसे मैं कहता हूँ कॉमा नेम, अच्छा नेम मौजूद है ऑलरेडी, तो हम कर देते हैं इंस्टीट्यूट नेम, नहीं डायरेक्टली आप डिक्शनरी पास नहीं करेंगे, की बनाए जैसे वेरिएबल बनाते हैं, डिक्शनरी रिमूव कर दें, ये भी रिमूव कर दें, कॉमा डाल के एक वेरिएबल जैसे इंस्टीट्यूट नेम विदाउट डबल कोटेशन, इंस्टीट्यूट नेम ठीक है इक्वल टू, आप यूएमटी डाल दें यहाँ पे डबल कोटेशन में टैक्स वैल्यू, ठीक है एक और डालें आप एक और, अच्छा ये कराची इंस्टीट्यूट नेम कर दिया, इसी तरह आप कर दें लाहौर या जो भी आप चाह रहे हैं, कीवर्ड आप डालते जाए के एच आई इंस्टीट्यूट नेम, परफेक्ट लाहौर नहीं इक्वल टू रह गया, मिस हो गया कीवर्ड आर्गुमेंट लास्ट वाला सही नहीं है, परफेक्ट नेम की स्पेलिंग सही कर लिया ओके। अच्छा अब ये जो आपकी वैल्यू है ऑफिसेस, ये आपके पास डिक्शनरी, तो डायरेक्टली आप उसको प्रिंट करवाना चाह रहे हो, आइटम के जरिए करवाना चाह रहे हो, उसको डायरेक्ट प्रिंट करवा दें, ठीक है बिल्कुल सही कह रहा है, चलाते हैं ठीक है दोस्तों। तो हमने ये देखा कि हम रिक्वायर्ड पैरामीटर दे सकते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट अनलिमिटेड जितने आप देना चाह रहे हैं वो असाइन कर सकते हैं, इसी तरह कीवर्ड आर्ग्यूमेंट अनलिमिटेड जितने आप देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं, इसके बहुत सारे यूज केस है, जैसे कि अभी आप बाय डिफॉल्ट प्रिंट का फंक्शन देखें तो प्रिंट के फंक्शन में आप एक वैल्यू पास कर रहे हो और प्रिंट करवा देता है, और कॉमा सेपरेटेड थाउजेंड ऑफ आप वैल्यू पास कर दें तो वो भी प्रिंट करवा देता है, जरा प्रिंट की डॉक्यूमेंटेशन जरा खोल के देखें, प्रिंट और आप टैब नहीं उसी के अंदर आ जाएगा ना, हेल्प के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे एक नए सेल के अंदर प्रिंट राउंड ब्रैकेट ओपन करते हैं तो उसकी इंटेलिजेंस आती है, वो इंटेलिजेंस हम देखते हैं, प्रिंट राउंड ब्रैकेट ओपन ठीक है, अच्छा शिफ्ट टैब से आती है या स्पेस टैब ये आ रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पहला पैरामीटर वैल्यू इन्होंने बनाया हुआ है सबसे टॉप के ऊपर स्टैटिक वैल्यूज लिखा हुआ है, हिस्टोरिक वैल्यूज का मतलब है अनलिमिटेड, ये वैल्यूज जो है कॉमा सेपरेटेड आप पास कर सकते हैं ठीक है। अच्छा इसी तरह एस ई पी एस टी आर नन, तो सेपरेटर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू नन है और आप अगर उसकी कीवर्ड वैल्यू डालना चाहें तो सेप इक्वल डबल कोटेशन में वैल्यू पास कर सकते हैं, ई एन डी स्ट्रिंग डेटा टाइप है बाय डिफॉल्ट उसकी नन वैल्यू है, आप चाहें तो उसके अंदर कोई वैल्यू पास कर सकते हैं, तो पहली वाली जो वैल्यूज हैं वो अनलिमिटेड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, एसीपी जो है वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, दूसरा वाला भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। अच्छा हमें आगे जाके और भी जरूरत पेश करे यानी पड़ेगी, अक्सर हम एलएलएम को कॉल करते हैं, जिमनाई लाइक हमारे पास ओपन एआई लामा थ्री, इन सब के कुछ ना कुछ पैरामीटर्स चेंज होते हैं दोस्तों, तो हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर एलएलएम का नाम पास करते हैं और उसकी कॉन्फिग्रेशन पास करते हैं, तो भाई जिमिनाई की कॉन्फ़िगरेशन अलग है, ओपन एआई की कॉन्फ़िगरेशन अलग है, तो हम फिर कीवर्ड आर्गुमेंट जो होगी जो कि आपकी क्या हो सकती है कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका एलएलएम का नाम और उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप एक वेरिएबल डिक्शनरी की सूरत में ले सकते हैं जिसमें अनलिमिटेड डिक्शनरी नहीं कहूंगा अनलिमिटेड कीवर्ड आर्गुमेंट आप उसमें पास कर सकते हैं, तो ये प्रैक्टिस से होगा। इसके अलावा हमारे जो 19 वीडियोस हैं उसके अंदर और ज़्यादा डिटेल के अंदर चीज़ें हमने कवर की थी, तो वो भी आप पाइथन की वीडियोस देख सकते हैं फंक्शंस की, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों प्रैक्टिस, जब तक कि ये कोड आप खुद से लिख के चला के नहीं देखेंगे, खुद ना भी लिखें जनरेटिव एआई से लिखवा के चला के नहीं देखेंगे जब तक ये चीज़ें आपके क्लियर नहीं होगी, तो आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं जुनैद? जी सर, जैसे भी सर कह रहे थे कि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। यानी कि अगर आप अपनी रिपो ओपन करते हैं, रिपो में बिल्कुल रूट के ऊपर ही आपके पास है प्रोजेक्ट्स का फोल्डर।
और इसमें आपके पास मोर देन 53 यहाँ पे चैलेंजेस हैं जो कि सेल्फ प्लेस्ड हैं, तो यानी कि आपके पास गूगल कोलैब मौजूद है, आपने गूगल कोलैब ओपन किया, यहाँ से आप आके ये सारे के सारे चैलेंजेस कर सकते हैं। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, एक्सप्रेशन देख लिए, लिस्ट हैं, इफ स्टेटमेंट है, डिक्शनरीज हैं, कंट्रोल फ्लो है, फंक्शन है, और फाइनल है इंफॉर्मेशन फ्लो। तो आपने स्टेप बाय स्टेप इन सबको ओपन किया, हर एक के अंदर 7 से 8 चैलेंजेस हैं, उनको आपने अपने पास रन किया कोलैब के अंदर, जो चीज़ समझ नहीं आ रही। साथ ही हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होती है, अगर हम कोई भी सेल ऐड करते हैं जनरेट, इवन कि आप इसको जनरेट करवा के उसको कह सकते हैं कि साथ ही जनरेट करो, साथ ही मुझे समझाओ, यानी कि जब आपका स्कोर जनरेट भी हो रहा हो तो आप एक एक लाइन देख के कह सकें अच्छा इस लाइन में ये काम हो रहा है, इस लाइन में ये काम हो रहा है। और अगर आप ये 53 के 53 कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनको आप बना के किसी को दिखा भी सकते हैं। जी सर, ओके बेस्ट हो गया। तो बस आप थोड़े से क्वेश्चन लेते हैं और फिर 10 बजे तक हम एंड करें, ताकि फिर 10:30 बजे हमारी दूसरी मीटिंग भी है, तो इतने में आप सब खाना वगैरह भी खा लेंगे। जी जुनैद, ओवर टू यू। जी जिनके क्वेश्चन है वो अपने पास हैंड रेस कर ले। जी मोहसिन, सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। अभी आपने जो है एक तीर का निशान बनाया था, जिसे ना हाइफन और इसके आगे ग्रेटर दें, इसका क्या मतलब है? अच्छा, अब इसकी बात करें जो यहाँ पे अभी हमने बनाया था, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसकी बात करें। जी, ये ग्रेटर देन तो नहीं है? हाँ ग्रेटर देन और ये। अच्छा, पाइथन में होते हैं हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर जो हमने लास्ट क्लास में डिटेल में देखे थे। अच्छा, इसका क्या काम है? ये कंडीशन चेक करते हैं कि जो भी हमने वैल्यू पास किया कि वो ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं तो फिर फॉल्स रिटर्न कर दो। जब हमने इसको यहाँ पे यूज़ किया तो इस पॉइंट पे अभी तो हमने बोला भाई खाली लेस देन, यानी बट अगर हम उसी को यूज़ कर रहे हो तो हम कहते हैं लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि सर्विया की एज अगर स्टूडेंट की एज से कम है या उसके इक्वल है तो ये काम कर दो, नहीं तो दूसरा काम कर देना। या हम ये कह देते कि सर्विया की एज ज़्यादा है या इक्वल है स्टूडेंट एज के, तो उस केस में ये काम कर दो, क्योंकि खाली जो ग्रेटर देन है उसका काम है ये देखना कि खाली ग्रेटर है या नहीं है, उस वैल्यू से बढ़ी है या नहीं, बस। इसके बाद हमने बोला कि ग्रेटर देन और इक्वल टू का काम है कि उससे बड़ी हो या उसके बराबर हो, दोनों कंडीशंस को चेक करके वो हमें बता देगा ट्रू है या नहीं। चल, नेक्स्ट है मिनाहिल। वेलकम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये है क्वेश्चन कि जो रिटर्न हम फंक्शन यूज़ करते हैं, रिटर्न जो हम यूज़ करते हैं वो हम हर फंक्शन में यूज़ करते हैं या फिर ये हमारी अपनी विल होती है कि हम कहीं पे यूज़ करें और कहीं पे नहीं यूज़ करें? ठीक है। और दूसरा ये कि सर जो हमने पढ़ा था कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स जो डबल स्टैटिक होता है वो हमें डिक्शनरी रिटर्न करता है, बट आपने जब उसको अप्लाई किया तो उसने डिक्शनरी रिटर्न नहीं की, इसकी क्या वजह? अच्छा, पहले हम देखते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट को। हमने यहाँ पे कोई भी फंक्शन बना लिया ग्रेड और उसका काम था खाली प्रिंट कर देना ग्रेड टू का। अब इस केस में हम यहाँ पे रिटर्न तो कुछ भी नहीं करवा रहे, बट अगर मैं अभी इसको कॉल करूँगा तो ये मेरे पास चल जाएगा। अगर हम यहाँ पे आके लिखते हैं वापस, तो देखिए हमने यहाँ पे रिटर्न कुछ भी नहीं करवाया, फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने कोई भी लॉजिक थी उसको रन किया, उससे फंक्शन ने अपना काम किया, बट हमें रिटर्न की ज़रूरत थी तो हमने रिटर्न नहीं करवाया। बट अगर हम रिटर्न करवाना चाह रहे हैं तो हम करवा सकते हैं, ये हम ऑप्शन ले आए और ये डिपेंड करता है हमारे प्रोग्राम के ऊपर कि हम प्रोग्राम बना के रहे थे उसके अंदर हमें काम करना गया था। अच्छा, और सेकेंड आपका क्वेश्चन था कि अभी हमने ऊपर जब कीवर्ड आर्गूमेंट लिए तो यहाँ पे डिक्शनरी तो आई नहीं। अच्छा देखें, ये उसको पास करने का तरीका, यानी कि हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन में हमें बताया है कि ये हमारे पास है कीवर्ड आर्गुमेंट, साथ ही हम इसको प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं। अच्छा, प्रिंट के अलावा एक सेकंड हमारे पास यहाँ पे ये भी चीज़ थी कि यहाँ पे हमने जो मेथड यूज़ किया ये सेम वही मेथड है जो डिक्शनरीज के अंदर हम यूज़ करते थे और ये हमारे पास यहाँ पे रन भी हो गया था। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवा के चेक करते हैं कि हमारे पास ऑफिस के अंदर आया क्या है। अच्छा, वैसे तो वो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो अनपैक शायद उसको ना कर सके, बट ये देखें वो प्रिंट भी हो गया हमारे पास। डिक्शनरी है हमारे पास, डिक्शनरी के अंदर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है हमारी की क्या थी
और की के बाद हमारी वैल्यू क्या थी। अच्छा, हमने यहाँ पे की क्या पास की है, की एच इंस्टीट्यूट नेम, ये की है हमारी, और यूआईटी थी यहाँ पे हमारी वैल्यू। तो ये उसको यूज़ करने का तरीका था। यूज़ करते हुए हमने नाम दिया, इक्वल टू लगाया और वैल्यू दे दी उसको, जितनी मर्जी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, 3, 4, 5, ये उनके हम यहाँ पे आगे कर देते हैं। अगर अब हम आके इसको रन करते हैं तो देखें हमारे पास थर्ड ऑप्शन भी आ गई है। तो पास करने का तरीका ये है, और हमें जो यहाँ पे वैल्यूज मिल रही है वो हमें डिक्शनरी के अंदर मिल रही है। तो इस जैसे हमने बता दिया इसकी टाइप है हमारे पास डिक्शनरी। इस केस में वैल्यू हमारे पास स्ट्रिंग हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, डिपेंड करता है जो भी हम पास करें। तो यहाँ पे हमने वो डेटा टाइप बता दी थी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सैम, सॉरी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये सवाल करना था, ये जो आपने क्या कहते हैं फंक्शन के अंदर डिक्शनरी बनाते टाइम पे ऑफिस से पहले 2 टाइम स्टेरिक लगाया है, तो क्या डिक्शनरी बनाने से पहले हमें 2 टाइम स्टेरिक लगाना होगा? नहीं, ऐसे ये डिक्शनरी बनाने के लिए नहीं है, ये ऑप्शनल कीवर्ड आर्गुमेंट्स पास करने के लिए। नीचे हमारे पास यहाँ पे एक नेम वाला फंक्शन है, हम इसको कह देते हैं यूजर डिटेल्स, और हम कह देते हैं डिटेल्स में इसकी डेटा टाइप थी डिक्शनरी। और यहाँ पे हमने कह दिया कि जो यूजर डिटेल्स है ना, उसके अंदर से खाली नेम लेके उसको प्रिंट करवा देंगे हम, या भी खाली हम यूजर डिटेल्स को ही प्रिंट करवा देते हैं। और उसको कॉल करते हुए यहाँ पे हम पास कर देते हैं कि उसका नेम क्या था, मोहम्मद था। फिर तो देखिए यहाँ पे हमने बता दी भी इसकी टाइप क्या है, डिक्शनरी है। डिक्शनरी में जो भी डेटा है उसके थ्रू हम कोई भी काम करवा सकते हैं। इसके अंदर और ऊपर वाले फंक्शन में डिफरेंस क्या था, कि ऊपर हमने आके बोला कि यहाँ पे तो हमें यूजर डिटेल ही खाली पास कर सकते हैं, इसके आगे ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आगे 3, 4, 5 और वैल्यूज भी पास कर दूं, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले का पता था हमें खाली 1 या 2 या 3 वैल्यूज चाहिए और उनकी टाइप क्या होगी। कीवर्ड आर्गुमेंट्स का हमारे पास क्या बेनिफिट है कि अभी मुझे नहीं पता यार इसके अंदर कितनी डेटा टाइप आएंगी, इसमें क्या क्या वैल्यूज आने वाली है इस फंक्शन के अंदर, बट मुझे इसको यूज करते हुए कोई काम करना है। जैसे अभी सैंड ने की एग्जाम्पल थी एलएलएम की कॉन्फिग्रेशन की, अब मुझे नहीं पता यार उसमें ओपन एआई की आएगी या उसमें जेमिनी एआई की आएगी, और उसके अंदर यूजर मॉडल कौन सा बोलेगा। तो हो सकता है हम यहाँ पे इस तरह से अपने पास पोजिशनल कीवर्ड आर्गुमेंट रख लें, और यूजर हमें आके यहाँ पे आके बता देगा मॉडल का नाम क्या है, GPT-4, उसके बाद टेम्परेचर उसका क्या, बाकी सारी चीजें क्या है। तो हमें पहले तो नहीं पता फंक्शन से, यूजर कॉल करते हुए बताएगा कि वो कितनी वैल्यूज पास कर रहे हैं, उनके मुताबिक हम आगे कोई भी काम कर लेंगे। तो डिक्शनरी सेपरेट चीज है, और यहाँ पे उसकी टाइप भी हमारे पास डिक्शनरी आती है यूज करते हुए। अच्छा, नेक्स्ट है मोहम्मद आमिर, सर वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन ये कि इसमें जो आपने स्टेरिक जो है वो एक सिंगल यूज किया और एक डबल किया, तो इनमें क्या फर्क है? ये दोनों अनलिमिटेड के लिए भी यूज हो रहे हैं हमारे? अच्छा बिल्कुल, आपने सही बात की है, इसका भी काम अनलिमिटेड है, और अगर हम डबल स्टेरिक लगाते हैं इसका भी काम है अनलिमिटेड। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि ये अनलिमिटेड तो है, बट ये लेता है आपसे कीवर्ड, यानी कि या ये बेसिकली का काम कर रहा है, आपसे पूछ रहा है भाई इसका नाम भी बताओ और उसकी वैल्यू भी बताओ, यानी कि की भी ले रहा है और साथ में ले रहा है वैल्यू, दोनों चीज़ें। की आपसे ले रहा है खाली वैल्यू, वैल्यू के अंदर कोई भी चीज़ हो सकती है, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्या पास किया, हमने खाली डायरेक्टर्स के नाम पास कर दिए, भाई सरजिया, सर कासिम, हमने ये नहीं बोला भाई डायरेक्टर 1 उसका नेम ये है, डायरेक्टर 2 उसका नेम क्या है। बट ऑफिस के टाइम पे हमें यहाँ पे की भी बतानी पड़ी और वैल्यू भी बतानी पड़ी है। अगर मैं की ना बताऊँ फिर क्या होगा, अभी के केस में हो सकता है उसको समझे कि वो भी डायरेक्टर्स के अंदर ही ले जाएगा, बिल्कुल ही देखें ले गया, क्योंकि अभी उसको तो नहीं पता है इसमें चीज क्या या क्या जा रहा है अंदर। थैंक शुक्रिया सर, थैंक यू। सर यू। नेक्स्ट है अबू रहेगा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रिंट और रिटर्न में क्या फर्क है? लेट्स सपोज हम करते हैं, अगर प्रिंट 1+3 और रिटर्न 1+3 करते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है? अच्छा देखें, जैसे अभी स्टार्ट में सर अमीन ने कहा था कि जो प्रिंट है ना, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है पाइथन के अंदर, इसका काम है खाली जो भी हमने इनपुट दिया वो हमें दिखा देता है। अब हो सकता है मैंने फंक्शन बनाया है और मैं सोच रहा था कि जो भी फंक्शन के अंदर ग्रीटिंग में आएगा ना,
इसको मैं पास कर दूंगा किसी एलएलएम को, और एलएलएम को पास करके मैं बोलूंगा कि यार जो ग्रीटिंग आई है ना, ये ग्रीटिंग तुम अब यूजर को ईमेल के ऊपर सेंड कर दो। यानी कि मेरे पास कोई डैशबोर्ड था, यूजर ने आके पैनवर्सिटी के ऊपर साइन अप किया, और साइन अप के बाद मैं चाहता हूँ कि जब यूजर जैसे ही पेमेंट करता है ना, तो उसको एक पर्सनलाइज मैसेज जाना चाहिए, जिसमें उसका नाम भी हो, उसकी डिटेल्स भी हो, कुछ उसके पास ऑप्शन हो। साथ में साइन अप करते हुए ये बातें बताई थी, इनके मुताबिक ये कुछ हमारे लिए आपके पास स्पेशल चीज़ें जिनको आप देखना स्टार्ट कर दें। तो अब इसके ना जब मैंने फंक्शन कॉल किया, अगर तो मैंने खाली प्रिंट करवाया अपने पास, तो ग्रीड के अंदर तो कोई भी चीज़ नहीं आई होगी, यानी कि मैं आगे कोई भी काम नहीं करवा सकता हूँ। तो अगर मुझे कोई भी काम करवाना है फंक्शन से, कोई और चीज़ करनी है, यानी मुझे आउटपुट लेके आगे कोई और काम करना है, स्टेटस ही देखना हो, तो मुझे हमेशा यहाँ पे रिटर्न यूज़ करना होगा। बट अगर मुझे रिटर्न नहीं चाहिए फोर्स, बस मैंने कोई कंडीशन चेक करनी थी, उसके बेस पे कोई काम कर देना था बस, तो फिर हम रिटर्न यूज़ नहीं कर रहे होंगे। तो फंक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिटर्न यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि जो भी फंक्शन को हमने इनपुट दिया उसके बेस पे हम चेक करते हैं यार क्या बना, हम कोई ना कोई आउटपुट दे रहे होते हैं स्टेटस या किसी और फॉर्म के अंदर। थैंक यू सर। अच्छा, क्वेश्चंस तो हमारे पास हो गए सारे। जी सर, क्लास करते हैं फिर। थैंक परफेक्ट है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके थैंक यू सो धन्यवाद। मच।